गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ माय स्टूडेंट्स, वेलकम इन कंसेप्ट डेवलप सेंटर विथ इंजीनियर रवि सर। आज मैं डिटर्मिनेंट क्लास 12 लेक्चर नंबर 5 के साथ आया हूं और इसमें मैं बताने वाला हूं एडजॉइंट होता क्या है, जब एडजॉइंट के लिए क्या क्या कंपलसरी है और एडजॉइंट के हेल्प से इनवर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। सो इसके लिए डिफरेंट डिफरेंट प्रोसीडर्स है, इसके बारे में मैं बताने वाला हूं और एक अच्छा कंसेप्ट देने वाला हूं जो आप कभी भूल नहीं पाएंगे। तो चलिए इसके साथ फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अब आपका ड्यूटी बनता है कॉपी कलम निकालिए और नोट्स बनाना शुरू कीजिए, क्योंकि हर पॉइंट बहुत ही इफेक्टिव होने वाला है और एक अच्छा कॉन्सेप्ट के साथ आपको बताने वाला हूँ और ये आप देखेंगे कि किस तरीके से मैं समझा रहा हूँ और आपको बेखूबी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम डिटर्मिनेंट्स स्टार्ट करते हैं। एडजॉइंट बात होती है, एडजॉइंट होता क्या है तो कुछ नहीं, गिवन मैट्रिक्स दिया हुआ रहता है। ठीक है, मैट्रिक्स दिया हुआ रहता है कि मान लेते हैं कि मैट्रिक्स दिया हुआ है ए, ठीक है ए दिया है कुछ, ओके। अच्छा, सबसे पहले बी फाइंड कोफैक्टर ऑफ ईच कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, इसमें जो भी एलिमेंट दिया रहता है ना, ठीक है, मान लेते हैं ये इस तरीके से दिया हुआ है तो इसका प्रत्येक का ईच एंड एवरी का हम कोफैक्टर निकालते हैं, माइनर निकालते हैं। बहुत सारे बुक में माइनर्स निकाला है लेकिन हमको माइनर्स की ज़रूरत यहाँ नहीं है, हमको कोफैक्टर की ज़रूरत है क्योंकि एडजॉइंट निकालने के लिए कोफैक्टर को होना कंपलसरी है। ठीक है, जब आपको जानकारी हो जाती है कि साइन के बारे में तो हम माइनर क्यों निकालेंगे, थोड़ा सा मेहनत दुगना पड़ जाता है, इसलिए आप कोफैक्टर ही निकालिए। देखिए, वी फाइंड कोफैक्टर ऑफ ईच कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट। अच्छा, इसके बाद क्या करते हैं, इसको जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट निकालते हैं उसको लिख देते हैं और इसको ट्रांसपोज कर देते हैं। जब ट्रांसपोज कर देंगे ना तो वही एडजॉइंट हो जाता है। एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, देखिए एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, ए इक्वल टू 1, 2, 3, 4 है। मान लेते कि ये इसको हमको एडजॉइंट निकालना है तो सबसे पहले हमारा टर्म क्या है, इसके करस्पॉन्डिंग निकालते हैं कोफैक्टर। तो देखिए इसको ऐसे लिख देंगे, तो देखिए कोफैक्टर सी से स्टार्ट होता है ना, तो C11 लिख देंगे। देखिए C11, C12, C21, C22 लिख दिया ना। अच्छा, जब C1 निकालेंगे, देखिए C11 1 और 1 को जोड़ेंगे तो 2 आएगा, 2 इवन नंबर है तो इसलिए प्लस में वैल्यू आएगा, तो C11 बराबर 4। अब देखिए C12 निकाल रहे हैं तो 1 और 2 को जोड़ेंगे तो 3 होगा, 3 ऑड नंबर है इसलिए यहाँ माइनस साइन लगा देते हैं और ये देखिए ये रो और ये कॉलम छूट गया तो बचा 2, चलिए 2 लिख दिया। अच्छा, एक और C21, तो देखिए ये इसको भी जोड़ेंगे तो 3 आ रहा है, यानी कि यहाँ पर माइनस साइन लगा देते हैं और देखिए इसको सिलेक्शन किया है ना तो इसका रो और इसका कॉलम छूट जाएगा तो क्या बचेगा 3, चलिए 3 लिख दिया। और इसके बाद C22, तो 2 और 2 को जोड़ेंगे तो प्लस में आएगा, यानी कि इवन नंबर है ठीक है तो प्लस में आएगा, तो प्लस साइन लिखने की ज़रूरत नहीं है तो क्या लिख देंगे 1, चलिए 1 लिख दिया हमने। अब हमारा कोफैक्टर आ गया, देखिए इसके एलिमेंट्स को स्मॉल सी से इंडिकेट करना है। ठीक है, सबसे पहले ये आपको माइंडसेट हो जाना चाहिए कि सी, ताकि आपको कहीं कन्फ्यूजन ना हो, तो चलिए यहाँ पर हम सी लगा देते हैं। चलिए सी बराबर क्या होगा, देखिए 1-1 के जगह पर 4 लिख सकते हैं, 1-2 के जगह पर -2 लिख सकते हैं और C21 के जगह पर -3 लिख सकते हैं और 2-2 के जगह पर 1 लिख सकते हैं। ठीक है, इसका ट्रांसपोज करते हैं। ट्रांसपोज क्या होता है, ट्रांसपोज एक्सचेंज बिटवीन रो एंड कॉलम। तो देखिए ट्रांसपोज किए तो ये कॉलम था तो रो में चेंज हो गया -3 और ये हो जाएगा -2 और 1। ठीक है, इसी को कहा जाता है एडजॉइंट, किसका है ए का, ए हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इसी को तो एडजॉइंट कहते हैं और ये हमेशा किसके लिए होता है एप्लीकेबल, ये स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए, क्लियर है। चलिए आप इसको नोट कीजिएगा। एक चीज़ और,
ट्रांसपोज कहने का मतलब है, ट्रांसपोज, ट्रांसपोज देखिए यहाँ पर मैं बहुत अच्छे तरीके से बता रहा हूँ कि जितना भी रो है ना, रो रो कहता है कॉलम से, मैंने बताया है इसके पहले वाला लेक्चर देख लीजिएगा, फोर लेक्चर फोर देखेंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा आप लोग का। तो रो को कॉलम, ठीक है, रो कॉलम कहता है कि आप मुझ में चेंज हो जाओ, और रो कहता है कॉलम से कि आप मुझ में चेंज हो जाओ। देखो तो दोनों एक दूसरे में चेंज होता है, तो इसी को कहा जाता है एक्सचेंज बिटवीन रो एंड कॉलम। क्लियर है? अच्छा अब देखिए एडजॉइंट निकल गया। अब जब क्वेश्चन पूछेगा कि इनवर्स निकालिए, क्वेश्चन क्या पूछेगा, इनवर्स निकालिए, तो इसका इनवर्स निकालने के लिए पहले इसको बताते हैं। ठीक है, एक चीज देखिए, गिवन मैट्रिक्स दिया हुआ है ए, ठीक है, तो चेक करेंगे, पहले क्या करना है, चेक करना है कि डिटर्मिनेंट का वैल्यू, डिटर्मिनेंट पहले निकालेंगे इसका वैल्यू, अगर जीरो आएगा तो सिंगुलर मैट्रिक्स होता है, तो सिंगुलर मैट्रिक्स होता है ना, तो इसका वैल्यू, तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, तो आगे प्रोसीड नहीं करेंगे, देखिए लिखे हैं नॉट प्रोसीड, आगे बढ़ाएंगे नहीं, यहीं पर कहानी इसका खत्म हो जाता है। ठीक है, तो जिसे मैं नहीं देखे हैं कि जिसका मेरिट लिस्ट में नहीं नाम आता है तो उसका कहानी वहीं पर खत्म हो जाता है। ठीक है, तो वही बात यहाँ भी है, अब ये एग्जिस्ट नहीं करेगा तो इसको हटा देते हैं। अब यहाँ देखिए ए नॉट इक्वल टू जीरो है, तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इसको कहते हैं, और ये इनवर्स विल एग्जिस्ट नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि ये जीरो के बराबर नहीं होता है, मतलब कहने का मतलब होता है देखिए नहीं आता है तो क्या ए का वैल्यू निगेटिव हो सकता है और ए का वैल्यू पॉजिटिव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्या नहीं हो सकता है, तो जीरो नहीं हो सकता, इसी को कहते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो इसीलिए इनवर्स विल एग्जिस्ट, और इसके काम को आगे की तरफ बढ़ाएंगे, प्रोसीड करेंगे आगे की तरफ। देखिए यहाँ पर जो स्टेप वन है, स्टेप वन जारी रहेगा, स्टेप टू है, स्टेप टू जारी रहेगा, स्टेप थ्री में क्या करते हैं कि यही एडजॉइंट होता है। ठीक है, ये एडजॉइंट है, तो एडजॉइंट ऊपर के लिखते हैं, और जो डिटर्मिनेंट का वैल्यूस निकलता है उसे हम डिवाइड करते हैं, वही हमारा इनवर्स हो जाता है। क्लियर है? तो चलिए हम इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ये बहुत बेहतर कॉन्सेप्ट है, और इसी के अनुसार मैं मैथ को सॉल्व करने वाला हूँ, आप लोग देखिएगा। ठीक है, अब जो सॉल्व करने वाला हूँ एनसीईआरटी 4.5 का, चलिए इसको पहले नोट कीजिए। देखिए इसको क्या करेंगे, हमको एडजॉइंट निकालना है, तो एडजॉइंट निकालना है तो सबसे पहले हम उसका कॉरस्पॉन्डिंग फैक्टर लिखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या निकलते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग फैक्टर्स। तो चलिए हम कॉरस्पॉन्डिंग इसको सबसे पहले मान लेंगे, चलिए मान लिया ए इक्वल टू 1, 2, 3, 4, तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग फैक्टर्स, कॉरस्पॉन्डिंग को फैक्टर्स देखिए C11, C12, C21, C22 लिख दिया कॉरस्पॉन्डिंग फैक्टर। अब क्या करना है कि इसका प्रत्येक का को फैक्टर निकालना है, लिखा था स्टेप वन में को फैक्टर निकालिए, तो चलिए C11, तो C11 निकाल रहे हैं, तो देखिए 11 है ना, तो 11 जोड़ेंगे तो प्लस होगा, तो यानी कि इसको रो और इसके कॉलम को छोड़ के 4, चलिए 4 लिखा गया। अच्छा अब एक चीज़ देखिए C12 निकाल रहे हैं, ये वाला ना, तो इसको कॉलम इसको रो छोड़ दिए, तो देखिए दोनों को जोड़ेंगे तो ऑड आएगा, तो ऑड में पहले माइनस दे देंगे इसके बाद 3 लिख देंगे। अच्छा C21 देखिए, C21 ये यानी कि इसको छोड़ देंगे 2, लेकिन इसके पहले माइनस लगेगा। अब देखिए C22, तो यानी कि ये तो दो को जोड़ेंगे तो प्लस, तो यहाँ प्लस देने की जरूरत नहीं है, तो ये खत्म, 1 आ गया। तो अब हम इसको क्या लिखेंगे, देखिए अब कैपिटल सी से इंडिकेट कर देंगे, इसको को फैक्टर है ना, इसीलिए सी से कैपिटल सी से इंडिकेट करेंगे। चलिए तो 1, 1 की जगह पर 4, -3, -2, 1। अब इसका ट्रांसपोज करेंगे, ट्रांसपोज तो लिख देंगे ऑन ट्रांसपोज, ट्रांसपोज करने पर तो क्या होगा, तो इस यहाँ पर डैश का साइन देते हैं, डैश मतलब ये होता है ट्रांसपोज कर रहे हैं, तो क्या होता है एक्सचेंज बिटवीन रो एंड कॉलम। ठीक है, तो 4 यहाँ पर देखिए 4 ये कॉलम है ना, तो रो में चेंज हो जाएगा -2, यहाँ पर हो जाएगा -3, 1, दिस इज
इसी को कहते हैं एडजॉइंट। और इसको देखिए, इसको स्मॉल से लिख देंगे एडजॉइंट। किसका एडजॉइंट निकल गया? ए का। चलिए एडजॉइंट है, ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे भी आंसर लिख देंगे। क्लियर है? चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर, यहाँ पर इसका कॉरस्पॉन्डिंग फैक्टर। तो ये है ना, ये क्वेश्चन है, तो इसको मान लेंगे ए, ए लगा दिया पहले। ठीक है, तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग को फैक्टर निकालेंगे। देखिए ए वन वन, इस नहीं सी से लेंगे, सी वन वन, सी वन टू, सी वन थ्री, सी टू वन, सी टू टू, सी टू थ्री, सी थ्री वन, सी थ्री टू, सी थ्री थ्री। क्लियर है ना? इस तरीके से। तो अब हम क्या करते हैं इसमें, देखिए हम हर एलिमेंट का कॉरस्पॉन्डिंग को फैक्टर निकालते हैं। ठीक है, तो सी वन वन देखिएगा, थोड़ा सा सी वन वन यानी कि प्लस में है, प्लस में है ना जी, तो यहाँ पर कोई बात नहीं। तो यहाँ पर देखिए सी वन वन, ये ख़त्म, यानी कि ये और ये ख़त्म, थ्री वन, तो थ्री ज़ीरो फाइव वन बचा। ठीक है, थ्री वन फाइव, ऐसे कर देते हैं, डिटर्मिनेंट पहले निकाल देते हैं। अच्छा एक चीज़ देखिए यहाँ पर, अब हम आते हैं सी टू, सी वन टू, बारी बारी से चलेंगे ताकि हमारा कैलकुलेशन आसान होगा। तो पहले देखिए सी वन वन फर्स्ट रो के पहले लेके चल रहे हैं, तो फर्स्ट रो पर हमारा ध्यान नहीं जाना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट रो के हम चल रहे हैं तो फर्स्ट रो पर हमारा ध्यान नहीं जाना चाहिए। तो कहाँ जाना चाहिए ध्यान? तो जाना चाहिए इसके सेकेंड रो और थर्ड रो पर। क्लियर है? और जिसका सिलेक्शन करते हैं उसका कॉलम पर ध्यान नहीं जाना चाहिए, ये ध्यान रहे आपका। ठीक है, तो मैथमेटिक्स गलत नहीं होगा, जो सिलेक्शन करेंगे वो गलत नहीं होगा। तो सी वन टू यानी कि ई वाला ख़त्म, ई वाला ख़त्म, तो टू माइनस टू और फाइव और वन बचे। अच्छा एक चीज़ देखिए, वन टू जोड़ेंगे तो थ्री आया, तो इसके पहले हम माइनस लिख देंगे। चलिए माइनस लिख दिया ना। अच्छा अब एक चीज़ देखिए, अब हम जा रहे हैं सी वन थ्री को निकालने, इसको तो ये ख़त्म, ये ख़त्म, तो देखिए टू माइनस टू, टू माइनस टू और थ्री और ज़ीरो बचा। ठीक है, तो हम इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखिए कैसे कैलकुलेशन करेंगे, इसमें से ऐसे करेंगे तो थ्री ज़ीरो, तो थ्री आया डायरेक्ट थ्री, और इसमें से देखिए टू माइनस पहले लगा हुआ है, यहाँ पर लगा हुआ है टू माइनस माइनस टेन, तो माइनस टेन। अच्छा तो दस और दो को जोड़ेंगे तो बारह होगा, यानी कि माइनस ट्वेल्व। क्लियर नज़र आ रहा है ना, पूरा विजिबल है, पूरा क्लियर। अच्छा अब मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ से यहाँ करेंगे तो जीरो, और देखिए ये वन और टू थ्री था ना, तो जोड़ेंगे तो फोर आएगा ना, तो इसीलिए यहाँ पर प्लस साइन दिए हैं। ठीक है, अच्छा ये माइनस, तो माइनस कितना है सिक्स, तो यानी कि हो जाएगा प्लस, प्लस सिक्स। ठीक है, चलिए एक निकल गया, और दूसरा रो में चलते हैं, सेकेंड रो में सी टू वन, तो सी टू वन में जाएंगे। ठीक है, इसमें तो, इसमें तो बीच वाला पे किसी पर ध्यान नहीं जाना है और उसके कॉलम पर नहीं जाना है, तो कहाँ जाएगा? तो देखिए माइनस वन ज़ीरो टू ओवर वन। अच्छा देखिए सी टू वन है ना, जोड़ेंगे तो टू ओवर वन थ्री आएगा ना, तो इसलिए यहाँ पर माइनस साइन दे देंगे। ठीक है, अब देखिए सी टू टू, तो सी टू टू बराबर हम क्या लिखेंगे, यानी कि बीच वाला गायब हो जाएगा ये और ये, वन माइनस टू और टू वन आ गया। ठीक है, यहाँ पर देखिए टू टू है, इसलिए यहाँ पर कोई साइन नहीं दिया, क्योंकि दो दो जोड़ेंगे तो चार आएगा, चार इवन नंबर है, इसलिए इसके पहले कोई साइन नहीं देते हैं। लेकिन सी टू थ्री है, तो देखिए टू थ्री है, तो इस पहले माइनस दे देंगे, अब माइनस देने के बाद डिटर्मिनेंट है, इसमें से सिलेक्शन करेंगे, तो इसका सिलेक्शन किए तो ये ख़त्म, वन माइनस टू और माइनस वन ज़ीरो। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा हो गया सी टू थ्री। अब थोड़ा कैलकुलेशन करते हैं, देखिए माइनस तो पहले है, तो ये माइनस से मल्टीप्लाई हुआ, तो यहाँ पर हो गया वन, इसमें देखिए वन और इधर इधर, तो क्या हो गया माइनस फोर यानी कि फाइव। अच्छा यहाँ पर देखिए ज़ीरो, चलिए पहले साइन है ज़ीरो, ये प्लस होगा यहाँ पर, तो
माइनस टू हो गया माइनस माइनस प्लस टू। क्लियर है ना यहाँ पर? अच्छा ये समझ में आ रहा है ना, जीरो से जीरो किए, पहले माइनस लगा हुआ था, पहले माइनस दिए, अब माइनस माइनस प्लस हो गया, अब फिर इसके पहले माइनस लगता है दिए, अब ठीक है तो माइनस माइनस हो गया प्लस, और इस तरीके से हमारा हो गया सी टू थ्री का। अब हम चलते हैं तीसरा रो में, देखिए तो सी थ्री वन, तो हमारा ध्यान इस पे, ये इस पे किसी पे नहीं रहना चाहिए, और जो ले रहे हैं उसका कॉलम पर नहीं रहना चाहिए, तो इसको हम ओमिट चल के चलेंगे, यहाँ से कहानी ख़त्म हो जाएगा। तो अब एक से देखिए, थ्री वन प्लस में है तीन और चार, तीन और एक चार होगा ना, तो चार प्लस में होगा इसलिए साइन नहीं देते हैं, ठीक है। चलिए तो यानी कि माइनस वन थ्री और टू एंड फाइव। अब एक देखिए सी थ्री टू, तो देखिए ऑड है ना, तीन और दो जोड़ेंगे तो फाइव होगा, तो फाइव माइनस में हो जाएगा, चलिए यहाँ पर माइनस दे दिया। अब यहाँ पर ये कहानी ख़त्म, ये कहानी वन और टू, टू और फाइव, वन टू टू एंड फाइव। अच्छा सी थ्री थ्री दोनों को जोड़ेंगे तो सिक्स आएगा ना, तो इसलिए यहाँ पर कोई साइन नहीं देंगे, डिटर्मिनेंट के पहले कोई साइन नहीं होगा। अच्छा एक चीज़ देखिए, सी थ्री थ्री यानी कि ये ख़त्म, वन टू माइनस वन और थ्री, इस तरीके से बच गया। अब इसका कैलकुलेशन कर देते हैं, देखिए तो यहाँ पर माइनस फाइव माइनस सिक्स माइनस इलेवन, और यहाँ पर हो गया माइनस, पहले साइन है ओके, फाइव माइनस फोर, तो यानी कि माइनस वन हो गया, और यहाँ पर हो गया थ्री और माइनस माइनस टू, यानी कि तीन दो पाँच, यानी कि हो गया फाइव हो गया। पूरा क्लियर है? तो कहने का मतलब होता है कि इसको हमने क्या बोला है, कैपिटल से इंडिकेट कर दिए। चलिए कैपिटल से इंडिकेट कर दिए, अब लिख सकते हैं सी वन वन के जगह पर क्या आया है, थ्री माइनस ट्वेल्व और सिक्स आया है। अब देखिए यहाँ वन फाइव और टू आ गया, अब यहाँ देखिए माइनस इलेवन माइनस वन और फाइव आ गया, यहाँ पर लिख रहे हैं माइनस, ठीक है ये। अब हम इसका ऑन ट्रांसपोजिंग करेंगे, पहले आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर नोट हो गया, चलिए इसको पहले मिटाते हैं, ठीक है ओके ओके। अच्छा अब यहाँ पर सी है तो ऑन ट्रांसपोज लिखेंगे, ऑन ट्रांसपोज, ट्रांसपोज कर दिए तो ट्रांसपोज कर दिए तो सी डैश देंगे, तो जितना भी रो में है ना, जितना भी रो कॉलम में चेंज होगा और कॉलम रो में चेंज होगा, तो थ्री वन माइनस इलेवन, तो थ्री वन माइनस इलेवन माइनस फाइव माइनस ट्वेल्व, फाइव माइनस वन सिक्स टू फाइव हो गया ये, इसी को तो कहते हैं एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए इसको नोट कर लीजिए, देखिए ऐसे केस में क्या करते हैं कि यहाँ पर डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, ठीक है मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो मान लेते हैं ए इक्वल टू दिया हुआ है हमको, ए एड्ज ए कहने का मतलब इसका एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। अच्छा ये देखिए ये टू इंटू टू ऑर्डर है, यानी कि टू ऑर्डर में है, सेकेंड ऑर्डर है, तो कहने का मतलब होता है देखिए अगर वन ज़ीरो ज़ीरो वन रहता है ना, ठीक है तो इसको हम कहते हैं आई, लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, लेकिन इसका नाम हो जाएगा आई टू। अच्छा अभी एक चीज़ और है, वन ज़ीरो 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 वन ज़ीरो 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 वन रहता है तो इसका नाम होता है थ्री, तो कहने का मतलब तीन रो और तीन कॉलम, इसका मतलब दो रो दो कॉलम, तो इसके अनुसार इसमें एडजस्ट करते हैं, ठीक है। इसको सिंपल आई भी लिख सकते हैं, सिंपल आई भी लिख सकते हैं, ठीक है जो जिस जिसको हम बताएंगे उसका अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करके बताएंगे। अच्छा एक चीज़ देखिए ए है, चलिए ए हो गया ओके कोई बात नहीं, एड्ज ए निकालना पड़ेगा, तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग, इसका कॉरस्पॉन्डिंग क्या निकालना पड़ेगा, को फैक्टर सी वन टू सी टू वन सी टू टू, ठीक है। तो चलिए पहले सी वन वन निकाल रहे हैं, ठीक है
तो C11 निकाल रहे हैं तो प्लस में आएगा यानी कि -6। C12 निकाल रहे हैं तो देखिए माइनस पहले आ जाएगा क्योंकि दोनों को जोड़ेंगे तो ऑड आएगा, इसलिए माइनस लगा देंगे पहले। तो जब ये निकाल रहे हैं तो ये तो -4 यानी कि +4। क्लियर है? अब मैं बात करता हूँ इसका C21 का, तो पहले माइनस लग जाएगा और इसके इसको रो कॉलम को इसको रो को छोड़ते हैं तो बचता है ये, तो इसके जगह पर 3 है। चलिए और C22 यहाँ पर प्लस में ही होगा क्योंकि 2 2 4 होता है, इवन नंबर है। चलिए इसके रो को और इसके कॉलम को छोड़ेंगे, क्या बचा? 2 2। अब हम एक कैपिटल सी लिखते हैं और ये कोफैक्टर के जगह पर लिख देते हैं जितना भी एलिमेंट है। चलिए -6 4 -3 2 लिख दिया हमने। क्लियर है ना? अब एक चीज़ देखिए, हम इसका ट्रांसपोज करने जा रहे हैं। ऑन ट्रांसपोज मतलब ट्रांसपोज करने पर, ठीक है? तो ट्रांसपोज क्या होता है? ट्रांसपोज होता है, एक बार और बता देते हैं, देखिए ट्रांसपोज ट्रांसपोज क्या होता है? एक्सचेंज बिटवीन रो एंड कॉलम, ठीक है? तो कहने का मतलब रहता है कि जो ए आई जे रहता है ना, ए जे आई में चेंज हो जाता है। पूरा क्लियर है ना? ए आई जे रहता है, ए जे आई में चेंज हो जाता है, यही ट्रांसपोज होता है। कहीं कोई दिक्कत? कहने का मतलब नहीं समझ रहे? नहीं समझे तो देखिएगा जरा से यहाँ पर ध्यान से, ठीक है? क्योंकि बहुत स्टूडेंट को कन्फ्यूजन हो रहा है, तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। जैसे मैं देखिए A 1 2 3 4 है, ठीक है? इसका ट्रांसपोज कर रहे हैं, ट्रांसपोज ट्रांसपोज का साइन दिए डैश। चलिए तो ये देखिए, ये हमारा क्या है? कॉलम, तो कॉलम है तो रो में चेंज कर दिए, यानी कि कॉलम किस में चेंज हो रहा है? रो में। और रो किस में चेंज हो रहा है? कॉलम में। अच्छा ये कॉलम्स, तो चलिए 2 4 देखिए 2 4 रो में चेंज हो गया ना। तो इसी तरीके से हम एक्सचेंज बिटवीन रो एंड कॉलम करते हैं। पूरा क्लियर है? तो इसको तो ऑन ट्रांसपोज तो C डैश बराबर क्या लिख सकते हैं? देखिएगा -6 -3 4 2, इसी को तो कहते हैं एडजॉइंट ए। पूरा क्लियर है? एडजॉइंट ए। अब हमारा क्या है ना, क्लैरिटी देना है। क्लैरिटी क्या देना है? पहले लेफ्ट हैंड साइड से चलेंगे, मिडिल हैंड साइड से चलेंगे और राइट हैंड साइड से चलेंगे। देखना है कि तीनों इक्वल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है? नोट कीजिए। अच्छा इसको पहले डिलीट करते हैं। चलिए अब कहने का मतलब है कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए बाई LHS से सबसे पहले ऊपर से चलते हैं, यहाँ से बाई LHS। LHS में है क्या? देखिए A एंड एज A, ओके कोई दिक्कत नहीं है। तो A क्या है? 2 -4 3 -6, ओके। चलिए मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, एज A कितना आया है? -6 4 -6 4 -3 2 -3 2 आ गया। तो इसमें देखिए कैलकुलेशन, बहुत स्टूडेंट इसमें गड़बड़ कर देते हैं। देखिए इसका मैं बहुत अच्छे तरीके से मैं बता रहा हूँ, ठीक है? रुकिए थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। देखिए इसको गुना करने का सबसे अच्छा रूट, पहला ऐसे जा रहा है, देखिए गाड़ी कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, दिखाई दे रहा है? अच्छा रुकिए पहले देख लेते हैं दिखाई दे रहा है कि नहीं। हाँ चलिए बहुत अच्छे तरीके से दिखाई दे रहा है। तो कहने का मतलब है कि इसको, ये हमारा क्या है? ये हमारा रो है, ध्यान दीजिएगा, ये हमारा क्या है? ये हमारा रो है। तो रो में सबसे पहले देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, चलिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ से फर्स्ट रो जा रहा है जी, यहाँ से टकरा रहा है, तो C1 का पहले काम करेंगे। और C1 का काम करते हुए किधर जाना है? डाउनवर्ड की तरफ जाना है, ठीक है? अब हमारा
फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम कहाँ जाना है, नीचे की तरफ सी टू। अब अगर और टर्म हो तो और टर्म को लेंगे फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, चलिए सी थ्री। ऐसे करना है, गाड़ी क्या जाएगा, ऐसे जाएगा और ऐसे मुड़ेगा, ऐसे जाएगा ऐसे मुड़ेगा, ऐसे जाएगा ऐसे मुड़ेगा, ठीक है। तो एक चीज देखिए यहाँ पर पूरा क्लियरिटी से दे रहे हैं, पहला क्या है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ पर R1 टकराएगा, ठीक है, देखिए R1 टकराएगा यहाँ पर R2, यहाँ पर R3, ठीक है। फर्स्ट रो का जितना भी एलिमेंट है वो, और जो सेकेंड रो होगा यहाँ पर नहीं, फर्स्ट रो ही टकराएगा, क्या टकराएगा फर्स्ट रो, यहाँ पर जो टकराएगा देखिएगा, यहाँ पर जो टकराने वाला है यहाँ पर इस रो में कौन सा नंबर है, सेकेंड रो, सेकेंड रो टकराएगा यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर जो टकराएगा यहाँ पर थर्ड रो टकराएगा, आर थ्री वाला जितना सिस्टम है वो सब टकराएगा, ठीक है। कैसे टकराएगा देखते हैं, देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पहले इसको लिख देते हैं ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है ना, तो दो दो छक बारह आज चरतियाई बारह बारह, ठीक है। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम यानी कि इस अब इस पोजीशन पे आ जाएंगे, ठीक है, देखिए तो कितना हो गया सिक्स माइनस सिक्स आ तीन दूना छः प्लस छः। अब देखिए नीचे में आ जा रहा है, नीचे में सेकेंड रो में, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम से टकरा रहा है ना, चलिए सेकेंड रो में इसमें इसमें ट्वेंटी फोर माइनस ट्वेंटी फोर, ठीक है। अब देखिए इसमें आ रहा है सेकेंड में, सेकेंड कॉलम में आ जा रहे हैं तो माइनस फोर और माइनस थ्री में करेंगे तो ट्वेल्व प्लस ट्वेल्व, और माइनस सिक्स में इसमें करेंगे तो प्लस माइनस ट्वेल्व, माइनस ट्वेल्व आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम कैलकुलेशन करते हैं, देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यही है ना, सी डेस माइनस सिक्स फोर, अच्छा चलिए माइनस थ्री टू, ओके। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तीन दुना छः दुना बारह चरते ही बारह, ओके। यहाँ पर देखिए कितना आया है, ये चौबीस और माइनस ट्वेंटी फोर, ओके, इस तरीके से आ गया है। तो कहने का मतलब होता है कि हमारा क्या आया, ज़ीरो 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 ज़ीरो, यानी कि हमारा आ गया है ज़ीरो 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 ज़ीरो, क्लियर है ना, यहाँ पर पता चल रहा है ना पूरा क्लियर से, अच्छे से। चलिए यहाँ पर देखिए पूरा क्लियर, जीरो जीरो आ गया है। तो यहाँ पर ए और आई लिख सकते हैं आराम से, ठीक है। आई क्या है, बताए थे टू टू ऑर्डर में है ना, तो इसको डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू यहाँ पर ये आ गया है, कुछ भी है जीरो जीरो, कुछ भी वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, तो इसका जीरो जीरो आएगा, नहीं तो यहाँ पर देख लीजिएगा। चलिए इसको यहीं पर छोड़ देते हैं LHS से, अब क्या चलते हैं मिडिल हैंड साइड, MHS मन मिडिल हैंड साइड यानी कि बीच से। तो चलिए क्या है, एड्स ए ए, तो एड्स ए, तो एड्स ए को पहले उतार देते हैं, एड्स ए, चलिए माइनस सिक्स फोर माइनस थ्री और टू है, पूरा क्लियर, अच्छा मल्टीप्लाई ए, ए कितना है ये टू माइनस फोर थ्री माइनस सिक्स है। चलिए कैलकुलेशन थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, देखिए फर्स्ट रो तो छः दूना बारह माइनस बारह, ये और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस बारह, ठीक है। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम इसमें आता है, देखिए इसमें इसमें मल्टीप्लाई होगा माइनस छः में थ्री से तो माइनस अठारह, और इसमें इसमें होगा तो प्लस अठारह हो गया, अच्छा। अब नीचे की तरफ आ गया, सेकेंड रो में आया ना, तो नीचे में
फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फोर में टू से करेंगे एट, टू में माइनस एट। अच्छा अब इसमें और इसमें जो आते हैं तो चढ़ती आई बारह, और दो में माइनस सिक्स से करेंगे माइनस बारह। देखिए ये भी कट के हो गया लड्डू, तो यानी कि जीरो 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 जीरो, बीच का भी किए तो जीरो 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 आता है। अब राइट साइड से चल लेते हैं, राइट साइड में कहता है क्या है देखिएगा, बाई आर एच एस, आर एच एस में क्या है कि देखिए मोड ए प्लस आई, चलिए मोड ए तो यहाँ पर टू माइनस फोर थ्री माइनस सिक्स है, तो इसका मोड निकाल देते हैं और ए ए के जगह पर वन जीरो जीरो वन लिख देते हैं। इसका मोड जब निकालेंगे ना, इसका मोड जब निकालेंगे तो इसको जगह पर केवल आई रहने देते हैं, आई आई है तो आई रहने देते हैं। अब इसका देखिए तो इतना कहता माइनस बारह माइनस बारह तो इन टू आई, आई रहने देते हैं, ठीक है ये थोड़ा सा मिडिल ब्रैकेट रखते हैं, तो ये कितना हो गया माइनस बारह प्लस बारह आई कट गया, यानी कि जीरो, जीरो इंटू आई बराबर जीरो। तो क्लियरली देखिए क्लियरली क्या हो रहा है, एल एच एस एम एच एस बराबर आर एच एस, तो यहाँ पर हो गया प्रूफ्ड, ठीक है तो वेरीफाई हो गया। प्रूफ्ड की जगह पर वेरीफाइड भी लगा सकते हैं, कहीं प्रूफ्ड होगा तो प्रूफ्ड देंगे, यहाँ पर वेरीफाइड है तो वेरीफाइड देंगे, ठीक है पूरा। लेकिन हाँ ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ऐसे पहले चलेंगे इसके बाद नीचे लिख देंगे। अब दूसरा में चलना है तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, ऐसे चला जाता है, क्लियर है ना। तो इस तरीके से इसमें मल्टीप्लाई में कभी गड़बड़ मत कीजिएगा, तो इसको नोट कीजिए। चलिए देखिए यहाँ पर ऐसा है तो हम इसको क्या करेंगे मान लेंगे, तो ए इक्वल टू लिख सकते हैं ऐसा वन थ्री वन माइनस वन ज़ीरो ज़ीरो टू माइनस टू और थ्री, इस तरीके से लिख सकते हैं। और इसको पहले एडजॉइंट निकालना है तो को फैक्टर निकालना जरूरी है, तो चलिए इसका कॉरस्पॉन्डिंग को फैक्टर सी वन सी वन टू सी वन थ्री सी टू वन सी टू टू सी टू थ्री सी थ्री वन सी थ्री टू सी थ्री थ्री हमने लिख दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि सी वन वन का वैल्यूस निकाल रहा हूँ, ठीक है सी वन वन का, सी वन वन का निकालूँगा। तो इसमें देखिए जब जिसका वैल्यूस निकाल रहे हैं ना, पहला रो के बारे में बात कर रहा हूँ तो रो पर ध्यान नहीं देना है, और जिस पोजीशन को सिलेक्ट करूँगा उसके कॉलम पर ध्यान नहीं देना है, बाकी सब रिमेनिंग पार्ट पर ध्यान देना है कंपलसरी है। अब एक चीज़ देखिए सी वन वन, तो यानी कि इस पे ध्यान नहीं देना है, तो क्या हुआ ज़ीरो ज़ीरो माइनस टू थ्री, यानी कि इसका वैल्यूस आ गया ज़ीरो। अब देखिए सी हम वन टू निकाल रहे हैं, ठीक है तो ये तो कहानी ख़त्म, इस पे नहीं देना है, इस पे ध्यान दे दीजिए। लेकिन वन और टू ऑड है इसीलिए माइनस साइन पहले दे देते हैं, और थ्री वन दे दिए और हम माइनस टू थ्री दे दिए, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और, जब हम इसका सिलेक्शन करते हैं सी वन थ्री का, तो ये और ये ख़त्म थ्री वन ज़ीरो ज़ीरो, ठीक है ये हम लिख दिए। अब मैं क्या करता हूँ देखिए ये ज़ीरो आ गया तो ये कितना आ गया माइनस है, तो तीन तीन नौ और दो, यानी कि माइनस इलेवन आ गया, क्लियर है। अच्छा ये तो पूरा सिस्टम ज़ीरो हो जाएगा। चलिए सी वन सी टू वन में जा रहे हैं, यानी कि अब इसका सिलेक्शन कर रहे हैं तो इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, ठीक है जब इसका सिलेक्शन करें तो इसके एलिमेंट पर ध्यान नहीं देना है, और जो सिलेक्ट करेंगे उसके कॉलम पर ध्यान नहीं देना है, ठीक है। अच्छा ये सिलेक्शन किया तो ये कहानी और ये ख़त्म, तो क्या बचा माइनस वन ज़ीरो, पहले माइनस साइन लिख देंगे माइनस वन ज़ीरो और टू और थ्री, यानी कि माइनस माइनस थ्री यानी कि प्लस थ्री आ चुका है। सी टू टू के बारे में बात किए तो टू टू प्लस होता है इसलिए प्लस पे ध्यान देंगे, और ये ख़त्म वन 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 ऑन और टू और थ्री पर ध्यान दिए। अच्छा एक चीज़ देखिए
थ्री में ऐसे मल्टीप्लाई होगा, थ्री में ऐसे माइनस साइन के साथ होता है, वन आ गया। क्लियर है? अच्छा अब मैं बात करता हूँ सी टू थ्री का, यानी कि इसका, तो इसका ये कॉलम खत्म, ये रो खत्म, यानी कि ये बचेगा वन वन बचेगा और माइनस वन जीरो होगा, माइनस वन जीरो होगा। लेकिन इसके पहले माइनस का साइन देना जरूरी है, जीरो, तो माइनस 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 प्लस वन, यानी कि माइनस। ओके हो गया। अब मैं बात करता हूँ सी थ्री वन का, देखिए तीन और चार, तीन और वन जोड़ेंगे तो फोर आएगा, इसीलिए प्लस साइन दे देते हैं। तो ये थर्ड पर, अब थर्ड रो पर ध्यान नहीं रहेगा और इस पर ध्यान नहीं रहेगा, देखिए माइनस वन जीरो टू माइनस टू, तो कितना हो गया टू, बस टू ही आ गया। अब सी थ्री टू पर ध्यान देना है, तो सी थ्री टू पर ये ख़त्म यानी कि ये बचेगा और ये बचेगा, यानी कि वन थ्री, वन थ्री और क्या बचेगा टू माइनस टू, लेकिन थ्री टू तो इसके पहले माइनस साइन दे देंगे। क्लियर है? तो इस तरीके से हम जवाब देते हुए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। सी थ्री टू, सी थ्री टू यानी कि ये ख़त्म, वन थ्री आया और टू माइनस टू आया। ओके, तो इसका कैलकुलेशन कर दिए, माइनस माइनस टू और तीन दो न छः, तो यानी कि माइनस सिक्स, यानी कि एट आ गया। अब देखिए सी थ्री थ्री, सी थ्री थ्री, अब सी थ्री थ्री के बारे में बात करते हैं, तो ये ख़त्म यानी कि वन और थ्री, वन और थ्री और माइनस वन जीरो, ठीक है, यही होगा ना। चलिए तो यहाँ जीरो हो गया और माइनस थ्री तो प्लस थ्री हो गया। अब मैं बात करता हूँ, यहाँ पर देखिएगा ज़रा सा, अब हम सी लिख सकते हैं, सी लिखने के लिए इसका हेल्प लेते हैं। चलिए सी वन वन बराबर क्या है, जीरो माइनस इलेवन जीरो, जीरो माइनस इलेवन जीरो, अच्छा थ्री वन माइनस वन, थ्री वन माइनस वन, अच्छा टू एट थ्री, टू एट थ्री, यहाँ ऐसे आ गए, आ चुका है। अब कहीं तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, समझ में बिल्कुल आ रही है ना। अच्छा इसको हम ट्रांसपोज करेंगे, तो ऑन ट्रांसपोज, चलिए ऑन ट्रांसपोज, तो सी डैश रो कॉलम में चेंज हो जाएगा, यानी कि कॉलम रो में चेंज हो जाएगा और रो कॉलम में चेंज हो जाएगा, यानी कि जीरो थ्री टू माइनस इलेवन वन एट, जीरो माइनस वन थ्री, पूरा क्लियर है? अच्छा अब मैं क्या करता हूँ कि अब इसे मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करके देखता हूँ, ठीक है, कैसे आता है आंसर। देखिए इसको ज़रा सा हमने ए माना है, ये ए है, तो इसको ए का ट्रांस, ए का डिटर्मिनेंट निकाल देते हैं, क्या होगा देखिए, इसका सिलेक्शन करते हैं सी वन टू, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, चलिए प्लस, यहाँ से ये कॉलम ख़त्म हो गया, रो ख़त्म, कॉलम ख़त्म, थ्री वन बचा, चलिए थ्री वन बचा और माइनस टू थ्री बचा, माइनस टू थ्री बचा। अच्छा जब मल्टीप्लाई करेंगे तो नौ प्लस टू कितना आया, इलेवन आया ना, चलिए यहाँ पर इसका वैल्यू इलेवन आ गया, तो यह डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू इलेवन आया, पूरा क्लियर है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अच्छा तुरंत बना देंगे, चलिए ऐसा होता है, इतना वैल्यूस आ गया है। अब मैं क्या करता हूँ, ठीक है, तो सबसे पहले हमारा ए एड्ज ए चलना है, ठीक है, बाई एल एच एस से, तो यहाँ से चलता हूँ बाई एल एच एस, थोड़ा टाइम लगेगा, घबराना नहीं है, बाई एल एच एस, तो ए एड्ज ए, ए एड्ज ए, ठीक है, तो ए कितना है, वन थ्री वन माइनस वन ज़ीरो ज़ीरो टू माइनस टू थ्री, और एड्ज ए कितना आया है, इसी को एड्ज ए कहा जाता है, एड्ज ए, ट्रांसपोज निकालेंगे, ओ एडजॉइंट होगा किसका, ए का। चलिए
एड्स ए हट जाए 0 माइनस 11 0 3 1 माइनस 1 2 8 3। अच्छा इसको जब कैलकुलेशंस करेंगे ठीक है तो देखिए कैसे आता है वैल्यूज होगा 1 0 यानी कि देखिए 0 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम प्लस 11 और 0 ओके। अब एक चीज़ देखिए सेकेंड रो में आते हैं 0 0 0 थर्ड में आते हैं 1 0 0 1 0 0 यानी कि 0 लिख देते हैं एक ही 0 ठीक है। अच्छा अब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम में जाते हैं देखिए 1 में इससे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस 1 माइनस 2 हो गया। अब 3 3 3 9 0 प्लस 2 हो गया। अब देखिए इसमें इसमें और इसमें इसमें 1 में 3 से गुना करें 3 0 में 1 से 0 3 में 1 से तो माइनस 3 हो गया। अब इसमें हम इसमें लास्ट वाला में जा रहे हैं सेशन में तो 2 हो गया माइनस 8 हो गया और 24 हो गया ठीक है। देखिए 1 2 2 माइनस 8 3 दूना 6 ठीक है। आप देखिए इसमें और इसमें 3 दूना 6 0 3 दूना 6 माइनस 6। अब इसमें जा रहे 2 देखते रहिएगा 0 और 3 3 9 ठीक है। इधर मिटाते हैं अब क्या हो गया यहाँ पर 11 ये कट के आ गया 0 और ये कट के आ गया 0 क्योंकि 6 2 8 माइनस 8 0। अच्छा ये 0 और ये 9 2 11 और ये कट के आ गया 0 देखिए 0 माइनस 3 है प्लस 3 है कट के 0 और 9 2 11 11 ठीक है। ये आ चुका है लेफ्ट साइड से चले ये आ गया। अब थोड़ा एमएचएस से चलते हैं मिडिल हैंड साइड से एमएचएस तो एमएचएस में क्या कहता है देखिए एड्स ए इनटू ए तो थोड़ा सा ऐसे तरीके से मल्टीप्लाई कर देना है देखिएगा ज़रा 12 बहुत टिपिकल बहुत कैलकुलेशन है। एड्स ए हाउ मच 3 1 1 0 3 1 माइनस 1 2 8 3। अच्छा ए कितना है 1 3 1 माइनस 1 0 0 2 माइनस 2 और 3 इतना आ गया है ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं इसको कर सकते हैं और इसको कॉमन ले सकते हैं और यूनिट वेक्टर है तो देखिए कॉमन ले लेंगे तो 11 हम आई लिख सकते हैं 11i लिख सकते हैं इसका ठीक है। क्यों लिख सकते हैं क्योंकि हम सबसे कॉमन लेंगे तो 11 आएगा तो डेट मीन्स 11i हो गया पूरा क्लियर है। अच्छा अच्छा चलिए तो यहाँ से डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना आया है 11 ओके पूरा क्लियर है क्योंकि सेकेंड टर्म लेंगे सेकेंड टर्म से होता है प्लस और प्लस होता है तो यहाँ पर आया है प्लस और यहाँ पर -2 + 1 11 क्लियर है ओके। अब देखिए मल्टीप्लाई किए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0 3 3 9 2 यानी कि 9 + 2 देखिए फर्स्ट रो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -11
प्लस थ्री प्लस एट हो गया। अच्छा इसको देखिए, जीरो माइनस थ्री प्लस थ्री, जीरो को मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। अच्छा यहाँ से देखिए, सेकेंड कॉलम में जीरो जीरो जीरो, सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम माइनस माइनस प्लस, इलेवन जीरो 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 जीरो। अब देखिए इसमें जीरो आ गया है, माइनस वन में जीरो से मल्टीप्लाई कर जीरो, थ्री में जीरो से जीरो, ओके। अब थर्ड कॉलम के बारे में बात करते हैं, थर्ड रो थर्ड कॉलम जीरो, ये लीजिए माइनस टू, ये प्लस नाइन, ठीक है। यहाँ पर जीरो आया, माइनस माइनस प्लस प्लस टू। अच्छा अब आते हैं अब हम आते हैं किस में, सेकेंड में, ठीक है, सॉरी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ना, फर्स्ट रो मिस्टेक हुआ, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो जीरो माइनस सिक्स प्लस सिक्स, सेकेंड रो थर्ड कॉलम कितना हुआ, माइनस ट्वेंटी टू माइनस टू ट्वेंटी फोर। अच्छा जीरो प्लस टू प्लस नाइन हो गया, तो नौ दो ग्यारह, ये देखिए ग्यारह आठ तीन ग्यारह माइनस ग्यारह है, हो गया जीरो। चलिए ये प्लस माइनस जीरो। अच्छा यहाँ देखिए ये जीरो ये इलेवन ये जीरो आ गया है, माइनस सिक्स प्लस सिक्स यानी कि जीरो, माइनस टू टू ट्वेंटी फोर आ जाएगा, ये भी आ जाएगा हमारा जीरो, क्योंकि ये भी कट गया हमारा, नौ दो ग्यारह हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से, तो कहने का मतलब होता है कि इसको भी हम लिख सकते हैं इलेवन आई, इलेवन आई हो गया ना। अब एक चीज़ देखिए, और हमारा यहाँ आया है इलेवन आई, तो हम एक चीज़ करते हैं बाई आर एच से चलते हैं, पर उसको डिलीट करते हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज देखिए, हमारा डिटर्मिनेंट आया था 11 बाई आर एच एस से चलते हैं, बाई आर एच एस, ठीक है, ये और ये, तो इसका वैल्यू आया था 11, तो आई, तो कहने का मतलब होता है देखिए एल एच एस से चले हैं तो इतना आया है, एम एच एस से चले हैं तो इतना आया है, और आर एच एस से चले हैं तो इतना आया है, तो डैट मीन्स एल एच एस बराबर एम एच एस बराबर आर एच एस, ओह 11 आई, ये हमारा हो गया वेरीफाइड, बहुत टाइम लिया, चलिए इसको नोट कीजिए। देखिए इसका प्रोसीडर क्या है, इसका प्रोसीडर सिर्फ यही है कि अगर डिटर्मिनेंट निकालेंगे डिटर्मिनेंट का वैल्यू, तो सबसे पहले इसको मान लेते हैं, देखिए क्वेश्चन से इसको मान लिया कि a इक्वल टू इतना है, इसका पहले डिटर्मिनेंट निकालते हैं। फर्स्ट क्या करते हैं देखिए, फर्स्ट में हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं, डिटर्मिनेंट से जांच करते हैं, चेक वैल्यू निकलेगा कि नहीं निकलेगा, तो सबसे पहले क्या निकालते हैं, वी फाइंड डिटर्मिनेंट। चलिए डिटर्मिनेंट निकालते हैं, देखिए डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट निकाले तो कितना हो गया, तीन दूना छः माइनस चार दूना आठ, आठ यानी कि फोर्टीन, ये जीरो के बराबर है क्या, जीरो के बराबर नहीं है, तो चेक करना है, अगर a बराबर जीरो का वैल्यू नहीं होगा तो इन्वर्स विल एग्जिस्ट, इन्वर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, देखिएगा ये स्टेप याद रखिएगा, इन्वर्स विल एग्जिस्ट, तो जी फोर्टीन जीरो के बराबर नहीं ना है, तो ये इन्वर्स विल एग्जिस्ट, इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अब एक चीज़, चलिए इन्वर्स एग्जिस्ट तो हम करा दिए, इफ़ इन्वर्स इफ़ एग्जिस्ट एग्जिस्ट हो गया तो फाइंड इन्वर्स, अब इन्वर्स निकालेंगे, तो इन्वर्स निकालने के लिए को फैक्टर का होना जरूरी है, तो दूसरा स्टेप में क्या निकालते हैं, को फैक्टर, ठीक है, तो को फैक्टर के लिए क्या करते हैं, देखिएगा यहाँ पर हमारा क्या है, टू फोर माइनस टू थ्री, तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग लिखते हैं एलिमेंट इन को फैक्टर में, लिख दिया हमने
ठीक है, ये लिख दिया। तो C11 बराबर क्या है, 3। अब देखिए C12 पहले माइनस साइन लगेगा, ठीक है, इसको निकालने जा रहे हैं तो ये 4 हो जाएगा। अब देखिए C21 इसका पहले माइनस लग जाएगा और क्या है -2, तो -2 तो यानी कि 2 हो गया। अब देखिए C22 हो गया, ये निकालना है तो ये वाला वैल्यू निकल जाएगा तो 2। अब देखिए अब इसके जगह पर हम बताए हैं कैपिटल सी लिखेंगे, पूरा क्लियर है, तो यहाँ पर 3 लिख सकते हैं, -4 लिखें, 2 लिखें, 2 लिखें, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें ट्रांसपोज निकालेंगे, तो हम क्या करते हैं ऑन ट्रांसपोज, ठीक है, ऑन ट्रांसपोज लिखिए, देखिए ऑन ट्रांसपोज लिख दिया हमने, चलिए ट्रांसपोज किए, ट्रांसपोज का साइन ही ना है जी, यहाँ पर दे दे सी ट्रांसपोज यहाँ, ठीक है, अच्छा ओके, यहाँ लिख देते हैं तो रो को कॉलम में चेंज करेंगे, 3 2 -4 2, ये हो गया ना, क्लियर है। अच्छा अब ये क्या होता है, एडजॉइंट ए होता है, ठीक है, तो अब देखिए अब इन्वर्स निकालना आसान हो गया ना, क्योंकि अब हमारा कोफैक्टर निकल गया, कोफैक्टर निकल गया ना, तो कोफैक्टर के बाद हम क्या निकालते हैं, देखिए कोफैक्टर के बाद हम एडजॉइंट निकालते हैं, ठीक है, जब एडजॉइंट निकलता है ना तो ए इन्वर्स बराबर एक फॉर्मूला है, एड्ज ए बाई डिटरमिनेंट, ठीक है, तो ये प्रोसीडर अप्लाई करते हैं, क्लियर है। तो एक चीज़ देखिए, ए इन्वर्स निकालना है नाउ, तो एड्ज ए इसको स्मॉल से इंडिकेट करेंगे, एड्ज ए बाई डिटरमिनेंट ए, एड्ज कितना आया है ये देखिए, 3 -4 2 2, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट कितना आया 14, तो 1/14 से डिवाइड करेंगे, चलिए हो गया ना, तो 14 से ऐसे डिवाइड करें, 1/14 लिख दिए तो डिवाइड हो गया, या बाई 14 लिख देंगे, ठीक है, तो डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या क्या होगा, 3/14 -2/7 यानी कि 1/7 1/7 हमारा इन्वर्स का वैल्यूस आ गया, ठीक है, यही हमारा क्या हुआ आंसर हो गया, ठीक है, कहीं दिक्कत है नहीं ना, चलिए आप इसको नोट कर लीजिएगा, लेकिन सबसे पहले इसको भी सॉल्व कर देता हूँ, देखते रहिएगा, ठीक है, कुछ नहीं है तो ए मान लेंगे, ठीक है, इसी के बदले को फैक्टर यहीं पर मान लेते हैं, चलिए ताकि हमको बाद में लिखने की ज़रूरत नहीं पड़े, थोड़ा सा तेजी दिखाना है, टूटू क्लियर हो गया। अच्छा एक चीज़ देखिए, इसका पहले डिटरमिनेंट्स का वैल्यूज निकालना है, डिटरमिनेंट्स निकाल देंगे इससे पता चलता है कि इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, चलिए तो यहाँ पर -2 या +15 यानी कि 13 नॉट इक्वल टू 0, इसलिए इन्वर्स विल एग्जिस्ट, इन्वर्स विल एग्जिस्ट, क्लियर है ना, तो यहाँ पर नहीं लिखे हैं तो यहाँ पर लिखे ना पड़ेगा, सो इन्वर्स विल एग्जिस्ट, इसलिए यहाँ इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, इसलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो इन्वर्स विल एग्जिस्ट, तो एग्जिस्ट करेगा तो हम आगे की तरफ कर्ज प्रोसीड करते हैं, चलिए तो C11 निकालना पड़ेगा, C11 बराबर क्या हो गया 2, देखिए C12 बराबर क्या हो गया -3 बराबर +3, C21 बराबर माइनस पहले साइन हो जाएगा तो 5 है, चलिए C22 तो यहाँ -1 है -1 दे देंगे, अब देखिए कैपिटल सी से इंडिकेट कर दिए 2 3 -5 -1 दे दिए, ओके इसको अब ऑन ट्रांसपोज करेंगे तो एडजॉइंट ए कहलाएगा, ठीक है, तो ऑन ट्रांसपोज सी डैश इक्वल टू 2 -5 और 3 -1 हो गया, तो इसी को क्या कहते हैं एड्ज ए, एडजॉइंट ऑफ ए, जो मैट्रिक्स दिया हुआ है उसका एडजॉइंट निकल गया। अब हम क्या कहेंगे कि हमको निकालना है क्या इनवर्स, तो फॉर इनवर्स के लिए एड्ज ए बाई डिटरमिनेंट,
ठीक है, ये फार्मूला है। तो एट जे कितना आ गया, 2, 3 -5 -1 बाई डिटर्मिनेंट कितना है, ए का वैल्यू कितना है 13 लिख दिया। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 by 13 -5 by 13 3 by 13 -1 by 13। ये हमारा क्या आया है, यही तो हमारा इन्वर्स है, इन्वर्स का वैल्यूस आ गया है। और इसको आप लोग अब नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए इसको हम ए मान सकते हैं, मैट्रिक्स दिया होता है, चलिए ए मान लिए। तो इसका यही पर कॉरस्पॉन्डिंग को फैक्टर लगा देते हैं। देखिए कॉरस्पॉन्डिंग को फैक्टर C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32, C33 कॉरस्पॉन्डिंग टर्म निकालती है, ठीक है। अब एक चीज़ पहले डिटर्मिनेंट्स, क्योंकि एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, तो पहले डिटर्मिनेंट्स का वैल्यूज निकालते हैं। क्या ये बताता है, फॉर एग्जिस्ट और नॉट एग्जिस्ट, यही ना, इसका मतलब होता है एग्जिस्ट है कि नहीं करेगा, तो डिटर्मिनेंट का साइन निकाल देते हैं। देखिए वन का सिलेक्शन करेंगे, चलिए चलिए वन का सिलेक्शन करेंगे तो 2, 0, 4, 5 तो यानी कि इसका 10 आया, डिटर्मिनेंट 10 आएगा, नॉट 0, यानी कि कहने का मतलब 0 के बराबर तो नहीं है, सो इन्वर्स विल एग्जिस्ट, इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। क्या करेगा, इसका इन्वर्स विल एग्जिस्ट। ये अगर दिखाई नहीं पड़ रहा है तो देखिए इन्वर्स विल एग्जिस्ट करेगा, अच्छा करेगा तो कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। चलिए कोफैक्टर निकालते हैं, C11 प्लस में हो गया, C11 निकालना है तो ये कहाँ निकलतम, ये कहाँ निकलतम, यानी कि 2, 0, 4, 5 साइन कंपलसरी है, साइन का ध्यान रहे। C12 निकाल रहे हैं तो पहले माइनस साइन दे देते हैं, चलिए C12 ये 0, 0 और 4, 5, चलिए C13 निकालना है तो 3-1 प्लस में साइन रहेगा, चलिए 0, 0, 2, 0 हो गया। अब हम कहाँ चल रहे हैं, अब सेकेंड रो में चल रहे हैं तो सेकेंड रो पर ध्यान नहीं देना है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम पर ध्यान नहीं देना है, तो चलिए C21 ये ख़त्म तो माइनस साइन पहले दे देते हैं, 2, 0, 3, 5 हो गया। C22 ये तो प्लस में ही रहेगा, ठीक है 1, 0, 3, 5 हो जाएगा, क्योंकि ये और ये ख़त्म, 1, 0, 3, 5 ये लेंगे, C23 तो माइनस पहले साइन दे दीजिए, ये ख़त्म कीजिए, ये ख़त्म कर 1, 0, 0, 2, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 2, 0 ठीक है यही बचेगा। अब आइए, ओ माय गॉड कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, चलिए यहाँ तो कैलकुलेशन ही नहीं किया, तो देखिए 5 × 10 आ जाएगा, ये देखिए 0, 0, 0 यानी कि इसमें आ जाएगा वैल्यू 0, ये पूरा पूरा टर्म 0 आ गया। अब देखिए इसमें क्या आ गया, -10, इसमें क्या आ गया 5, ठीक है इसमें देखिए इसमें आ गया 0, क्लियर है। अच्छा C31 में चल रहे हैं, प्लस में आएगा, यानी कि इस पर ध्यान अब नहीं देना है, किस पे देना है 2, 2, 2, 2, 3, 4 यानी कि 8 - 6 = 2 C32 जैसे ही आ गया तो माइनस साइन दे देते हैं पहले, तो हमारा हो गया ये ख़त्म 1, 0, 3, 4 यानी कि 4 - 4। आप देखिए C33 ये निकाल रहे हैं, ये ख़त्म यानी ये ख़त्म 1, 0, 2, 2 यानी कि इसका वैल्यू आएगा 2।
ठीक है। अब इसको हम को फैक्टर के रूप में लिख देते हैं। ये तो हमारा हो गया कहानी खत्म, इसको पहले क्वेश्चन को हटाते हैं। चलिए अब हम इसको लिख सकते हैं को फैक्टर C इक्वल टू कितना आ चुका है 10 0 0 10 0 0 -10 5 0 -10 5 0 2 -4 2 2 -4 2 आ चुका है, क्लियर है। अब मैं बात करता हूँ इसका ट्रांसपोज निकालता हूँ, तो ऑन ट्रांसपोज ट्रांसपोज सी डैश 10 -10 2 0 5 -4 0 0 2 हो गया। तो इसी को कहते हैं एडजॉइंट ऑफ ए, ट्रांसपोज निकालते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं एडजॉइंट ऑफ ए, निकल गया। अच्छा ए इन्वर्स बराबर अब हम लिख सकते हैं बाय डिटरमिनेंट। अच्छा एड ए का वैल्यू कितना आ गया है 10 0 0 -10 5 0 2 -4 2 यानी कि हम इसको 10 से डिवाइड कर देते हैं। चलिए यहाँ से ऐसे भी दे सकते हैं, देखिए हम ऐसे भी डिवाइड दे सकते हैं। चलिए देते दिया तो 1 आ गया, -1 आ गया, 1/5 आ गया। देखिए काटने का पता होना चाहिए, 5/10 आ गया तो 1/2, इसमें -2/5, इसमें 0 0 और इसमें करेंगे तो 1/5। कहने का मतलब हमारा आंसर ए इन्वर्स का आ चुका है। अब हमारा आंसर इतना है, चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, चलिए तो इसके कुछ नहीं है तो मान लेंगे ए, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग अभी मान लेते हैं को फैक्टर C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33। अच्छा इस तरीके से हमने ले लिया। अब मैं क्या करने वाला हूँ, पहले डिटरमिनेंट्स निकालता हूँ, चेक करता हूँ। देखिए यहाँ 0 0 है 0 0 है, यहाँ पर पहले डिटरमिनेंट निकालने का सबसे अच्छा तरीका है, इसको कंसिडर करेंगे, इसका 0 ये 0, यहाँ पर आया 3 2 0 -1, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया हमारा क्या -3 लेकिन नॉट इक्वल टू 0, सो इन्वर्स विल एग्जिस्ट, यानी कि इन्वर्स निकाला जा सकता है, यस। तो देखिए पहले अब को फैक्टर निकालते हैं, चलिए को फैक्टर C11 क्या है ए, इसको कंसीडर करेंगे, इसको कंसीडर करेंगे 3 2 0 -1 यानी कि -3। C12 निकाल रहे हैं यानी कि ये ख़त्म, तो 3 5 माइनस पहले साइन लगा देंगे 3 5 0 -1 यानी कि -3 यानी 3। C13 निकालते हैं, ठीक है C13 निकालते हैं तो प्लस ही साइन रहेगा लेकिन 3 5 रहेगा और 3 2 रहेगा, 3 2 6 -15 कितना गया -9। चलिए ओके C21 तो पहले माइनस लगा देते हैं, सबसे पहले माइनस लगा दिए तो यहाँ ये रो नहीं देखेंगे, ये कॉलम नहीं देखेंगे, 0 2 0 -1। चलिए ये तो लड्डू हो गया, C22 प्लस में रहेगा। चलिए तो ये ख़त्म, ये ख़त्म 1 5 0 -1 यानी कि -1। C23 ठीक है यानी कि ये ख़त्म 1 5 0 2 1 5 0 2 ठीक है, माइनस पहले साइन लगेगा तो क्या होगा, ये कैंसिल 1 5 0 2 ओके -2 -2। अच्छा अब हम आते हैं C31 में तो प्लस आ जाएगा, चलिए ये ख़त्म 0 3 यहाँ भी लड्डू मिल गया, चलिए 0
अस्सी थ्री टू, तो माइनस पहले साइन दे दिए यहाँ से, तो ये गैप वन थ्री और जीरो जीरो, वन थ्री जीरो जीरो, काफ़ी लड्डू मिल रहा है। सी थ्री थ्री, ठीक है, सी थ्री थ्री, सी थ्री थ्री, ये कैंसिल वन थ्री, वन थ्री और जीरो थ्री, यानी कि इसका थ्री। तो अब हम इसको कोफैक्टर के रूप में लिख देते हैं। चलिए c इक्वल टू माइनस थ्री थ्री माइनस थ्री, थ्री माइनस नाइन, ज़ीरो माइनस वन माइनस टू, ज़ीरो माइनस वन माइनस टू। आप देखिए ज़ीरो ज़ीरो थ्री, ज़ीरो ज़ीरो थ्री, इस तरीके से आ गया। ठीक है, तो हमारा वैल्यू आ चुका है कितना, इतना। ओके, अब इसको ऑन ट्रांसपोज, ऑन ट्रांसपोज, ठीक है, तो C डैश निकालते हैं, तो माइनस थ्री ज़ीरो ज़ीरो थ्री माइनस वन ज़ीरो माइनस नाइन माइनस टू थ्री, ठीक है, तो इसी को कहते हैं एड्स ए, यही तो एडजॉइंट है ए का, क्लियर है ना। अब हम इसको निकाल देते हैं ए इनवर्स, तो आराम से निकल गया। ठीक है, तो इसको इसको माइनस थ्री ज़ीरो ज़ीरो थ्री माइनस वन ज़ीरो माइनस नाइन माइनस टू थ्री से डिवाइड कर देंगे, किस से, थ्री से, क्योंकि डिटर्मिनेंट कितना आया है थ्री, यानी सॉरी माइनस थ्री आया, तो माइनस थ्री से डिवाइड कर देते हैं। तो देखिए, तो माइनस थ्री से डिवाइड किया तो ये कितना आ गया, वन ज़ीरो ज़ीरो, ये माइनस वन, ये वन बाई थ्री, ये ज़ीरो, ये देखिए माइनस थ्री कैंसिल, तो थ्री और टू बाई थ्री, यहाँ पर माइनस वन, ये हमारा इन्वर्स का आंसर है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए आपको नोट कीजिए, चलिए इस तरीके से सॉल्यूशंस कैसे करते हैं। तो मान लेते हैं ए, ए बराबर यहीं पर कोफैक्टर का सिंबल दे देते हैं, ठीक है, क्लियर है ना। ओके, लिख दिया हमने। अब मैं क्या करने वाला हूँ कि इसका पहले इन्वर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, पहले इसको डिटर्मिनेंट निकाल देते हैं। देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसको इसका सिलेक्शंस कर देते हैं। तो देखिए, इसका सिलेक्शन किए ना टू, तो यहाँ पर इसको रो और कॉलम को छोड़ देंगे, तो माइनस वन टू ज़ीरो वन, ठीक है। अब एक से देखिए, यहाँ पर माइनस हो जाता है साइन, तो चलिए माइनस साइन, तो यहाँ पर रो कॉलम ख़त्म, फोर माइनस सेवन ज़ीरो और वन आ गया, ठीक है। अब प्लस लेंगे तो ये कॉलम ख़त्म, ये रो ख़त्म, तो फोर माइनस सेवन, ध्यान से देखिएगा, माइनस वन टू, ठीक है। अब एक चीज़ है, अब इसका कैलकुलेशन कर देते हैं। तो देखिए, टू माइनस वन ज़ीरो माइनस वन फोर ज़ीरो ज़ीरो थ्री एट माइनस सेवन, ठीक है, टू माइनस फोर माइनस थ्री प्लस थ्री, तो तीन दो पाँच माइनस चार, कितना आया, वन आ चुका है इसका। तो कहने का मतलब होता है इसका डिटर्मिनेंट कितना आया, वन आ चुका है। तो चलिए, बट नॉट इक्वल टू ज़ीरो, सो इन्वर्स विल एग्जिस्ट, पता चल गया ना। इसको थोड़ा सा है टफ है, कोई बात नहीं, कैलकुलेशन आना चाहिए। अगर कैलकुलेशन अच्छा है तो डैट मीन्स एवरी मैथ इज बिकम्स वेरी इजी, ठीक है, क्लियर है ना। चलिए ठीक है, अच्छा इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, यानी कि सी वन वन निकालना पड़ेगा। देखिए सी वन वन कितना हो गया, यानी कि ये कैंसिल माइनस वन टू ज़ीरो वन, अच्छा सी वन टू ये ख़त्म
फोर माइनस सेवन आवर जीरो वन, ओके। लेकिन यहाँ पर साइन माइनस का होगा, सी वन थ्री निकालने जा रहे हैं, सी वन थ्री यानी कि ये ख़त्म, फोर माइनस सेवन माइनस वन टू, ओके। देखिए इसका कैलकुलेशन कर देते हैं, तो माइनस वन इसका कैलकुलेशन करेंगे तो माइनस फोर, और इसका कैलकुलेशन कर देंगे आठ माइनस सेवन इक्वल टू वन, ठीक है। चलिए सी टू वन यानी कि इसमें जा रहे हैं, इसका कहानी ख़त्म, इसका कहानी ख़त्म, वन थ्री माइनस लगा देंगे पहले, वन टू थ्री वन, अच्छा सी टू टू, सी टू टू ये ख़त्म, यानी कि टू माइनस सेवन, टू माइनस सेवन थ्री वन, अच्छा सी टू थ्री लगा देते हैं, तो माइनस साइन पहले लगा देंगे, अच्छा ये वाला ख़त्म, ये वाला ख़त्म, टू माइनस सेवन, टू माइनस सेवन वन टू, वन टू। चलिए कैलकुलेशन कर देते हैं, माइनस वन माइनस सिक्स बराबर फाइव, प्लस फाइव हो जाएगा, चलिए प्लस फाइव लिख दिया, और यहाँ पर टू प्लस ट्वेंटी वन यानी कि ट्वेंटी थ्री हो गया, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर देखिए माइनस फोर प्लस सेवन यानी कि माइनस इलेवन हो गया, ठीक है, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब हम बात करते हैं सी टू वन, सी थ्री वन यहाँ से निकाल देते हैं, सी थ्री वन, तो जो सी थ्री वन करेंगे ना, थ्री वन यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा, और ये ख़त्म यहाँ पर हो गया वन माइनस वन थ्री जीरो, यानी कि आपका आ गया थ्री, सी थ्री टू यानी कि माइनस पहले साइन दे देते हैं, माइनस साइन दे दिए, ये ख़त्म टू फोर थ्री जीरो, टू फोर थ्री जीरो, तो कहने का मतलब होता है ये कैंसिल यानी कि प्लस बारह आंसर, सी थ्री थ्री यानी कि ये ख़त्म टू फोर, देखिए यहाँ टू फोर वन माइनस वन माइनस वन, अच्छा ये माइनस टू माइनस फोर माइनस सिक्स। अब हम इसको को फैक्टर के रूप में लिख देते हैं, चलिए को फैक्टर के रूप में लिख दिए, सी वन वन इक्वल टू कितना आया है, माइनस वन माइनस फोर वन, माइनस वन माइनस फोर और वन, ओके टू वन फोर फाइव ट्वेंटी थ्री माइनस इलेवन, फाइव ट्वेंटी थ्री माइनस इलेवन, ओके सी थ्री वन थ्री ट्वेल्व और माइनस सिक्स, ठीक है। तो ऑन ट्रांसपोज, अब इसको ऑन ट्रांसपोज करते हैं, ट्रांसपोज करने पर क्या होता है, देखिए सी डैश यानी कि रो और कॉलम में चेंज हो गया, थ्री माइनस फोर ट्वेंटी थ्री ट्वेल्व, वन माइनस सिक्स, अच्छा अब इसी को तो कहा जाता है एडजॉइंट ए, ठीक है। अब हमको क्या करना है, अब इन्वर्स निकालना है, चलिए ए इन्वर्स निकालना है, तो एड्ज ए बाय डिटर्मिनेंट ए, ठीक है। तो एड्ज ए देखिए क्या है, एड्ज ए इतना वैल्यूस आया है वन माइनस फोर वन, फाइव ट्वेंटी थ्री माइनस इलेवन, थ्री ट्वेल्व माइनस सिक्स, इतना आया, लेकिन डिटर्मिनेंट कितना आया है जी, वन आया है, तो वन से डिवाइड करेंगे हम, अगर वन से डिवाइड करेंगे तो वैल्यूस कितना आता है, यानी कि यही वैल्यू आएगा, देखते हैं यहाँ पर क्या कन्फ्यूजन है। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा देखिए, यहाँ पर है ना, यहाँ पर वन एडजॉइंट ए, ये मैट्रिक डिटर्मिनेंट है, अच्छा यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, देखिएगा ये वन में वन से गुना होगा तो माइनस वन आएगा ना, तो माइनस टू
माइनस यहाँ पर आ गया है माइनस सिक्स और प्लस थ्री यानी कि माइनस थ्री, तो जीरो का तो इन्वर्स विल एग्जिस्ट। अच्छा अब इसके बदले माइनस थ्री से मैंने डिवाइड किया तो देखिए तो क्या आएगा, बहुत बड़ा है इससे इसे माइनस माइनस कैंसिल, वन बाई थ्री लिख सकते हैं ओके, और इसको माइनस फाइव बाई थ्री लिख सकते हैं। देखिए नीचे रहे माइनस से ऊपर है वैल्यू सेम होती है, और इसको इसको किए तो माइनस वन। अच्छा अब माइनस थ्री में माइनस फोर से तो फोर बाई थ्री, अच्छा ऑन ट्रांसपोज ओके क्लियर है, यहाँ ट्वेंटी थ्री बाई थ्री माइनस में होगा, यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो माइनस फोर आ जाएगा, और यहाँ पर जब मैं करूँगा तो यहाँ पर माइनस वन बाई थ्री माइनस माइनस कैंसिल इलेवन बाई थ्री, और यहाँ माइनस माइनस कैंसिल टू आएगा, टू आएगा, तो डैट मीन्स ये हमारा इन्वर्स का आंसर आ चुका है, और यहाँ पर ये आंसर है ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए इसको हम क्या मान सकते हैं, ए, चलिए ए मान लिया, यहीं पर हम को फैक्टर मान लेते हैं सी वन वन सी वन टू सी वन थ्री सी टू वन सी टू टू सी टू थ्री सी थ्री वन सी थ्री टू सी थ्री थ्री ओके। तो पहले जांच करना है कि इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा ठीक है, तो इसके लिए हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं। देखिए वन वन का जब सिलेक्शन किए तो ये रो और ये कॉलम ख़त्म, तो देखिए टू माइनस टू थ्री फोर ओके। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर माइनस है माइनस, चलिए माइनस दे दिया, यहाँ पर ये कॉलम ये ख़त्म हो गया जीरो थ्री माइनस थ्री फोर ओके। अब टू हो गया, ये कॉलम ख़त्म ये रो ख़त्म जीरो और थ्री टू माइनस टू, पूरा क्लियर हो गया। अब कहने का मतलब चार दूना आठ है दो तीय छः तो माइनस छः, अब माइनस माइनस प्लस और जीरो तीन तीय नौ तो ये प्लस नाइन हो जाएगा, यहाँ प्लस टू यहाँ पर जीरो और माइनस सिक्स। अब देखिए एट माइनस सिक्स प्लस नाइन माइनस ट्वेल्व कितना गया, नौ आठ सत्रह बारह छः अठारह यानी कि माइनस वन नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो जब माइनस वन आ गया है नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा तो इन्वर्स विल एग्जिस्ट। सो इन्वर्स विल एग्जिस्ट, इसलिए इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो चलिए सी वन वन सी वन टू, अब हमारा बारी आ गया को फैक्टर निकालने का, तो सी वन वन तो सी वन वन है तो ये कैंसिल ये देखते हैं टू माइनस टू माइनस थ्री फोर, सी वन टू देखते हैं सी वन टू यानी कि ये ख़त्म जीरो थ्री, आप लोग इसको जब मैथ बनाने लगेंगे तो ध्यान देना पड़ेगा ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक ना तो बहुत मिस्टेक हो जाता है, फिर स्टार्टिंग से स्टार्ट करना पड़ता है। अब देखिए सी वन थ्री तो इसलिए जब बना रहे हो तो इस पर अलग जगह पर ध्यान नहीं जाना चाहिए, सी वन थ्री है ये कैंसिल जीरो और जीरो थ्री टू माइनस टू, अच्छा इसके पहले माइनस साइन लगेगा क्योंकि वन और टू है। अब इसका सॉल्यूशंस कर देंगे, देखिए एट हो गया माइनस सिक्स हो गया तो कितना आएगा टू, यहाँ पर करेंगे माइनस जीरो प्लस नाइन माइनस नाइन, यहाँ पर देखिए जीरो माइनस सिक्स तो बराबर माइनस सिक्स ठीक है हो गया। अब हम बात करते हैं सी टू वन के, तो माइनस पहले साइन लगेगा सी टू वन यानी कि आप सेकेंड रो पे इस पे ध्यान नहीं देना है ठीक है, और जिसको सिलेक्शन कर रहे हो उसके कॉलम पर ध्यान नहीं देना है, तो सी टू वन ये ख़त्म तो क्या बचा माइनस वन माइनस टू टू एंड फोर,
अच्छा C22 यानी कि इस पे ये ख़त्म 13 और ये ख़त्म ये 24 C23। तो पहले साइन माइनस लग जाएगा, चलिए माइनस साइन दे दिया। C23 ये ख़त्म 13 माइनस 1 माइनस 2 हो गया ना, 13 माइनस 1 माइनस 2। अच्छा इसका पहले कैलकुलेशन कर देते हैं, तो -4 और +4 चल गए लड्डू खाने, और यहाँ पर देखिए 4 और -6 -2 आ गया, और यहाँ पर देखिए माइनस तो पहले से साइन है, -2 -3 यानी कि +5 आ चुका है हमारा। अब देखिए C31 निकालने जा रहे हैं, तो ये प्लस में होगा। अब एक चीज़ देखिए, C31 ये ख़त्म -1 2 2 -3 चलिए कैलकुलेशन कर दिए, 3 -4 -1 ओके। C32 माइनस पहले से साइन दे दिए, ठीक। अब एक चीज़ देखिए, ख़त्म 1 0 2 -3 1 0 2 -3 ठीक है, कितना हुआ -3 -3 +3 C33 ये ख़त्म 1 0 -1 2 ठीक है, इसका सिलेक्शन किया था 1 0 -1 2 ओके 2 हो गया। अब इसको कोफैक्टर के रूप में लिख देते हैं, देखिए 2 9 6 2 -9 -6 अच्छा 0 -2 5 0 -2 5 -1 3 2 हो गया, पूरा क्लियर है ना। अच्छा अब हम क्या करेंगे, ऑन ट्रांसपोज इसको ट्रांसपोज कर दिए, C-2 0 -1 -9 -2 3 -6 5 2 ठीक है, इसी को हम कहते हैं एडजॉइंट ए। चलिए इतना हो गया ना, क्लियर है। चलिए देखिए यहाँ पर मिस्टेक है, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा -1 यानी कि 6 -1 ठीक है, अब पूरा क्लियर है। अच्छा यहीं पर माइनस वन से ही डिवाइड करना है ना, तो यहीं पर कर देते हैं। देखिए हमारा ए इन्वर्स बराबर क्या होगा, तो एड्ज ए बाई डिटर्मिनेंट ए, देखिए अच्छा इसको मिटा देते हैं, आप नोट कर लीजिए ना, क्लियर है। देखिए एड्ज ए कितना आया है, 2 0 -1 -9 -2 3 -6 -1 2 - -1 तो जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा। देखिए -2 0 1 9 2 -3 6 1 -2 ये इन्वर्स का क्या हुआ, आंसर आ गया, ठीक है, ये इन्वर्स का आंसर आ गया, आप लोग इसे नोट कर लें। चलिए ये देख लीजिए, इस तरीके से हम इसको मान लेते हैं ए इक्वल टू इतना है, और इसी के बदले अभी मान लेते हैं कोफैक्टर के लिए C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33 ओके है ना, पूरा क्लियर समझ में आ रहा। अच्छा एक चीज़ देखिए,
पहले तो जांच करना है कि ये एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। डिटरमिनेंट निकाल लेंगे, डिटरमिनेंट निकाल लेंगे तो वन होगा और इसको कॉस अल्फा और ये साइन अल्फा और ये साइन अल्फा हो गया, यहाँ पर कॉस अल्फा हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ना। अब एक चीज़ देखिए, कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा और इस इधर से इधर देखिए, यहाँ पर एक मिस्टेक लगता है कि है क्वेश्चंस में। अच्छा, क्वेश्चंस में माइनस कॉस अल्फा है, यहाँ पर माइनस कॉस अल्फा, चलिए माइनस कॉस अल्फा हमने दे दिया। ठीक है, तो इसको इसको जब मल्टीप्लाई करूँगा ऐसे, ये हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा। अच्छा, माइनस कॉमन ले लिए, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू वन होता है, इसलिए माइनस वन, यानी कि नॉट इक्वल टू जीरो। सो ठीक है ना, इसलिए इन्वर्स विल एग्जिस्ट। सो इन्वर्स विल एग्जिस्ट, इसलिए इन्वर्स इसमें एग्जिस्ट करेगा। अब एक चीज देखिए इसमें, ठीक है, चलिए इस तरीके से हमने यहां पर सॉल्यूशंस किया। सी वन वन निकालना जरूरी है, ठीक है, चलिए सी वन वन निकालता हूं। सी वन वन इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये और ये खत्म, तो कॉस स्क्वायर अल्फा, देखिएगा कॉस अल्फा साइन अल्फा, साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, ठीक है, इसको हमने इस तरीके से मल्टीप्लाई किया, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ये हो गया। अच्छा, अब हम बात करते हैं सी वन टू का, ठीक है, सी वन टू मतलब क्या होगा, ये ख़त्म, ये ख़त्म, ठीक है, ये और ये, तो क्या बचा, ज़ीरो ज़ीरो साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए माइनस का साइन हो जाएगा, तो यहाँ पर ये इसका वैल्यू जीरो आ गया, सी वन थ्री का वैल्यू निकाल रहे हैं, ये जीरो और ये निकल गया जीरो जीरो, ठीक है, ये आ गया हमारा जीरो जीरो कॉस अल्फा और साइन अल्फा आ गया, ठीक है, तो इसका वैल्यू भी हो गया जीरो। पूरा क्लियर है ना, अगर ये लिए तो हमारा आ गया ये वैल्यूस, ये वैल्यूस आ गया है, ठीक है, ओके है ना। चलिए यहाँ पर देखिए, ये मल्टीप्लाई हुआ है माइनस, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा, तो माइनस वन हो गया, वन जीरो जीरो। अच्छा, अब यहाँ आते हैं, ठीक है, सी टू वन लेंगे, तो ये जिस इसको सिलेक्शन कर रहे हैं, रुको आज, तो इसको हम कट कर देंगे, तो ये हमारा आ गया, देखिएगा माइनस जीरो साइन अल्फा जीरो कॉस अल्फा, तो इसका वैल्यू क्या आ गया, जीरो आ गया, चलिए जीरो। सी टू टू, अब देखिए सी टू टू ले रहे हैं, तो वन जीरो वन जीरो और जीरो कॉस अल्फा, तो यहाँ पर आ गया क्या, माइनस कॉस अल्फा। सी टू थ्री, सी टू थ्री, तो देखिए माइनस माइनस सी टू थ्री, ये माइनस, ये ख़त्म, ये ख़त्म, वन जीरो जीरो साइन अल्फा, वन जीरो जीरो साइन अल्फा, तो इसका वैल्यू कितना आ गया, माइनस साइन अल्फा। ठीक है, अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पर माइनस साइन अल्फा, क्लियर है। अब देखिए सी थ्री वन में जा रहे हैं, सी थ्री वन में, यानी कि ये ख़त्म हो जाएगा, ये ख़त्म, जीरो कॉस अल्फा, यहाँ पर क्या बचेगा, जीरो कॉस अल्फा जीरो साइन अल्फा, यानी कि इसका भी वैल्यू जीरो। सी थ्री टू, डैट मीन्स पहले माइनस ले लेंगे, चलिए यहाँ से यहाँ निकाल रहे, वन जीरो जीरो साइन अल्फा, वन जीरो जीरो साइन अल्फा, तो कहने का मतलब माइनस साइन अल्फा, ठीक है, सी थ्री थ्री, ठीक है, तो ये ले रहे हैं, तो ये कैंसिल, वन जीरो जीरो कोस अल्फा, ठीक है, अब इसका कैलकुलेशन किए तो कोस अल्फा, कोस अल्फा। अब हम इसको को फैक्टर के रूप में अरेंज कर देते हैं, देखिए
तो कोफैक्टर के रूप में अरेंज किए तो यहाँ पर माइनस वन आया, जीरो 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 कॉस अल्फा साइन अल्फा, ठीक है, जीरो माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, पूरा क्लियर है। अब इसको ऑन ट्रांसपोज करते हैं, तो ऑन ट्रांसपोज, ठीक है, तो ऑन ट्रांसपोज करेंगे तो ट्रांसपोज का सिंबल दे देंगे और इसको रो को कॉलम में चेंज कर देंगे। चलिए वन जीरो 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 माइनस कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, जीरो माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा, ये हो गया, इसको कहते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। चलिए यहीं पर हम इसका इन्वर्स निकाल देते हैं, ए इन्वर्स, तो इसको कहते हैं ए इन्वर्स निकालना है तो एड्स ए बाई डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट क्या है, यहाँ पर देखिए डिटर्मिनेंट माइनस वन है तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर माइनस वन जीरो 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 माइनस कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा और जीरो माइनस साइन अल्फा और कोस अल्फा में माइनस वन से डिवाइड किए तो देखिए ए इन्वर्स बराबर क्या आता है। तो देखिए जितना भी माइनस है प्लस में हो जाएगा, जीरो जीरो और जीरो कॉस अल्फा साइन अल्फा, ठीक है, जीरो साइन अल्फा और माइनस कॉस अल्फा, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक, आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए देखिए यहाँ पर इस तरीके से हम कर सकते हैं, यहाँ पर क्या कह रहा है कि ए बी का इन्वर्स, और ये तो सबसे पहले हम क्या करते हैं इन्वर्स निकाल देते हैं। चलिए यहाँ पर ए बराबर, पहले ए का डिटर्मिनेंट निकालते हैं, ए का डिटर्मिनेंट पस्ती है 15 माइनस 14 यानी कि 1 नॉट इक्वल टू 0 है ना, तो इन्वर्स बिल एग्जिस्ट, पहले तो पता चल गया। आ इसका देखिए बी का डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो नक्षक 54 माइनस 56 तो कितना हो गया माइनस 2 नॉट इक्वल टू 0, तो इसका भी इन्वर्स बिल एग्जिस्ट, इसका भी इन्वर्स होगा। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले कि इसका इन्वर्स निकालते हैं, तो ए के लिए पहले बात करते हैं ए के लिए, तो ए के लिए क्या है 3275, तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग टर्म लिख देते हैं C1 C12 C13 C21 C22, ठीक है। तो देखिए C11 बराबर क्या हो जाएगा 5, C12 बराबर क्या हो जाएगा माइनस 2, C21 बराबर क्या हो जाएगा माइनस 7, C22 इक्वल टू 3। तो चलिए हम इसको हम निकाल देते हैं C, ठीक है, C इसको मान लेंगे D, इसको मान लेंगे C तो इसको मान लेंगे D। अब एक चीज़ देखिए C इक्वल टू कितना हो गया 5 माइनस 2 माइनस 7 और 3, ठीक है, तो ऑन ट्रांसपोज, तो ऑन ट्रांसपोज कर रहे हैं, ट्रांसपोज कर रहे हैं तो देखिए C हम लिख सकते हैं 5 माइनस 7 माइनस 2 एंड 3, वी कैन राइट, एंड इफ वी कैन राइट जस्ट वी कैन फाइंड आउट B, ठीक है, ये किसका है ट्रांसपोज, तो ये इसको हम बी कैन राइट ना एडजॉइंट ऑफ ए, ओके पूरा क्लियर है। चलिए अब हम आते हैं बी सेक्शन के लिए, इसके लिए बी के लिए, तो अब इसका कोफैक्टर निकालने के लिए हम इसका भी ऐसे तरीके से दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कॉन्सेप्ट केवल क्लियर होना चाहिए, C11 C12 C21 C22, तो कहने का मतलब होता है, ठीक है, तो इसको हम निकाल सकते हैं C11 बराबर क्या हो गया 9, C12 बराबर माइनस 7, C21 बराबर माइनस 8, C22 इक्वल टू 6, तो हम लिख सकते हैं C, इसके लिए C
नहीं तो इसका कोफैक्टर डी मान लेते हैं, इसका कोफैक्टर डी कर देते हैं, ठीक है। चलिए डी कर दिए, तो कोफैक्टर इसको डी मान लिए, तो डी कर दिए, तो डी बराबर हम लिख सकते हैं 9 - 7 - 8 - 6। अच्छा ऑन ट्रांसपोज, चलिए ऑन ट्रांसपोज, ट्रांसपोज कर दिए, तो ट्रांसपोज कर दिए तो ट्रांसपोज के टेटे डैश देना जरूरी है, अब रो और कॉलम में चेंजिंग हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो इसको कहेंगे एडजॉइंट ऑफ की बी हो गया, एडजॉइंट ऑफ बी हो गया। अच्छा अब हमको क्या करना है, हमारा निकल गया तो हमारा ए इन्वर्स निकल जाएगा, वन है ना, तो आराम से निकल जाएगा। देखिए तो यहीं पर निकाल देते हैं, चाहे यहाँ पर निकाल देते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ तो जगह नहीं है ना, अच्छा चलिए निकाल देते हैं। देखिए ए बराबर एड्ज ए बाई डिटर्मिनेंट ए, तो यहाँ एड्ज ए क्या आया, 5 - 2 - 7 - 3, यानी कि 1 से डिवाइड होगा तो हमारा क्या वैल्यू आएगा, छोड़िए इधर निकालते हैं, ये थोड़ा बहुत पेचीदा हो गया। देखिए यहाँ पर ए इन्वर्स निकालने के लिए एड्ज ए बाई डिटर्मिनेंट, तो एड्ज ए बराबर कितना है, 5 - 2 - 7 - 3 हो गया। अच्छा 1 से ही डिवाइड करना है ना, देखिए 1 है डिटर्मिनेंट, 1 से डिवाइड किया, चलिए तो यही वैल्यू आ जाएगा ना, 5 - 2 - 7 / 3 ये हो गया। अच्छा ए बी इसके लिए उस तरफ कर देते हैं, राइट साइड में। चलिए बी इन्वर्स निकालने के लिए एड्ज बी बाई डिटर्मिनेंट किसका, बी का, एड्ज बी कितना आया है, 9 - 7 - 8 - 6 आ चुका है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, -8 - 6 आ गया। अब एक चीज देखिए, इसमें b बराबर कितना आया है, -2, चलिए -2 दे दिया। अब जब मैं डिवाइड कर रहा हूँ तो कितना आएगा, -9 - 2 - 4 - 7 - 2 - 3, ये हमारा क्या निकला, b इन्वर्स निकल गया, क्लियर है ना, b हमारा इन्वर्स निकल गया और ए इन्वर्स यहाँ निकल गया, ठीक है। अब एक चीज़ देखिए, देखिए अब बाई एल एच एस से चलते हैं, बाई एल एच एस, तो एल एच एस में क्या कहता है, ए गुना बी, तो चलिए पहले ए इंटू बी करते हैं। ए क्या है, ये 3 - 2 - 7 - 5 गुना 6 - 7 - 8 - 9, ठीक है। तो यहाँ पर हम ऐसे कैलकुलेशन कर देते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यानी कि 18 - 7 - 49, ठीक है। ये सेकेंड रो 6 - 2 - 12 और प्लस 7 - 5 - 35, ठीक है, एक निकल गया। अब इसमें हम करते हैं फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 8 - 24 + 63, अब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम यानी कि 60 - 9 - 5 - 45 हो गया। अब इसको हम जोड़ देते हैं, कितना गया, 9 - 8 - 17 - 7 - 4 - 1 - 5 - 6 और 5 - 2 - 7 - 3 - 1 - 4 और 4 - 3 - 7 - 6 - 2 - 8 5 - 6 - 11 - 4 - 1 - 5 - 1 - 6, ठीक है, इतना एक रोस भी। अब हमको इसका इन्वर्स निकालना है, ठीक है, तो अब इसका इन्वर्स निकालना पड़ेगा, पहले इसको नोट कर लीजिए। चलिए यहाँ पर समझ में आ रही है ना बिल्कुल, लेकिन हमको इसका इन्वर्स निकालना है। देखिए
इसका इन्वर्स निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले बात मैं बात कर लेता हूँ, इसका इन्वर्स निकालना है तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं ना, तो ए क्रॉस बी का हम पहले डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो जब डिटर्मिनेंट निकालेंगे ना तो इसका डिटर्मिनेंट कितना आएगा देखते हैं। इसको अगर 67 में 61 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है 487 माइनस, ठीक है, और इसको करते हैं तो 4089 यानी कि माइनस 2 यानी कि इन्वर्स विल एग्जिस्ट। तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना आया, माइनस 2। चलिए इसको आप नोट कर लीजिए पहले, तब तक इसको मिटाते हैं। ठीक है, चलिए अब कहने का मतलब है यहां पर कि ए बी, तो अब इसका भी निकाल देते हैं। देखिए ए बी कितना आया भैलू जी, 67 47 87 61 इतना आया है। तो इसके बराबर लिख सकते हैं C11 C12 C21 C22। तो C1 बराबर कितना आ गया 61, C12 बराबर कितना जगह माइनस 47, C21 बराबर कितना आ गया माइनस 87, C22 बराबर 67। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन फास्ट होगा, क्या आप लोग को समझ में आ ही रहा होगा, क्योंकि C12 माइनस है, C12 ऑड है तो माइनस साइन हो जाएगा, यहाँ पे ऑड है तो माइनस साइन हो जाएगा, और इस तरीके से अब को फैक्टर के रूप में लिख देते हैं। देखिए तो अब इसको कैपिटल दे देते हैं, अब इसको कोई बात नहीं, ठीक है, इसको सी ए रखने देते हैं। तो क्या हो गया 61 माइनस 47 और माइनस 87 67 ऑन ट्रांसपोज करते हैं। ठीक है, तो ट्रांसपोज किए तो कितना आ गया, ओके, तो यानी कि सी डैश आ गया हमारा 61 माइनस 87 माइनस 47 और 67। ठीक है, इसी को तो कहते हैं एज ऑफ ए क्रॉस बी, इसी का आया है ना, तो इसका एडजॉइंट निकल गया। अब हम बात करते हैं इन्वर्स का, तो ए बी इन्वर्स तो क्या लिखेंगे, एज ए क्रॉस बी बाई ए क्रॉस बी का डिटर्मिनेंट। चलिए तो 61 माइनस 47 माइनस 87 67 डिवाइड बाई माइनस 2। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ गया, देखिए ए बी इन्वर्स बराबर आ चुका है हमारे पास, ए बी इन्वर्स इक्वल टू आ चुका है 60/2 माइनस में और 87/2 प्लस में, ये भी 47/2 प्लस में और ये माइनस 67/2 माइनस में, ये हमारा इन्वर्स का आ गया, यानी कि ये हमारा बाई एलएचएस है, बाई एलएचएस से चले हैं तो इतना आया है। ठीक है, बाई आरएचएस से चलते हैं, बाई आरएचएस से चलते हैं, बी इन्वर्स ए इन्वर्स के बारे में बोला है तो मल्टीप्लाई करके देखते हैं। देखिएगा यहाँ से जरा सा, हम ए इन्वर्स का वैल्यू कितना है इतना, बी इन्वर्स का वैल्यू कितना है इतना, तो अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, इसको पहले नोट कर लीजिए। ठीक है, अब यही पर हम कैलकुलेशन करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर यही कह रहा है कि बाई आर एच एस से चलते हैं, बाई आर एच एस बी इन्वर्स ए इन्वर्स ए है। ठीक है, चलिए बी इन्वर्स कितना है, माइनस 9/2 4 7/2 माइनस 3 ए इन्वर्स 5-2 माइनस 7 और 3 हमारा इतना आना चाहिए, यही ना। चलिए देखते हैं इसमें जब मल्टीप्लाई किया, ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो माइनस 45/2 और यहाँ पर इसी मल्टीप्लाई किया तो माइनस 8
ओके हो गया। अब नीचे में जा रहे हैं, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 35/2 और माइनस माइनस 3 - 2 = 6 आ जाएगा। अब फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम देखिए, तो हमने क्या बोला कि इसको इसको मल्टीप्लाई किया तो 63/2 और इसको इसको मल्टीप्लाई किया तो 12। इसमें देखिए इसको इसमें जा रहे हैं -7/2 -7 से करते हैं तो -49/2 और इसमें इसमें करते हैं तो -9। चलिए अब इसको ऊपर वाला को मिटाते हैं, ठीक है। अब देखिए कुछ नहीं है तो बाई, कुछ नहीं तो बाई, कुछ नहीं तो वन, कुछ नहीं तो वन। इसमें इसमें मल्टीप्लाई किए ना तो देखिए तो 8 × 16 यानी कि -40/60/2 यहाँ हो गया, और इसको इसको किए तो 6 × 12 35 + 12/2 हो गया। अब इसमें देखिए 63 + 24/2 इसमें देखिए -49 - 18/2 हो गया ना। अब इसको देखिए कितना आ गया -61/2 इसको जोड़ेंगे तो 87/2 इसको जोड़ेंगे तो 47/2 और इसको जोड़ेंगे तो 67/2 इतना आ गया। यानी कि देखिए ये वाला और ये वाला बराबर आ चुका है तो लिख देते हैं हेंस LHS बराबर RHS क्या हुआ वेरी फाइट। चलिए इसको नोट कर लीजिए, बहुत लंबा चौड़ा था। चलिए इस तरीके से दिया हुआ है तो सबसे पहले ए स्क्वायर निकाल देते हैं, तो ए स्क्वायर निकालने के लिए ए इंटू ए करना पड़ेगा। चलिए 3 - 1 1 और 2 यहाँ पर 3 - 1 1 और 2 ठीक है मल्टीप्लाई किया तो देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 × 3 = 9 और 1 1 - 1 और सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -3 - 2 हो गया। अच्छा सेकेंड फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 3 + 2 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -1 + 4 ठीक है। तो इसका आ गया है वैल्यू कितना देखिएगा 8 - 5 - 5 = 3 इतना आ चुका है। अब हम बाई LHS से चल सकते हैं, ठीक है बाई LHS चलिए चल रहे हैं। तो हमारा कहना क्या है ए स्क्वायर 5a + 7i है तो हमको प्रूफ करना है 0। चलिए देखते हैं कैसे प्रूफ होगा। ए स्क्वायर बराबर कितना वैल्यू आ गया है 8 - 5 - 5 और 3 इतना वैल्यू आ गया है और -5 ए इक्वल टू कितना है 3 - 1 और 1 2 अच्छा 7i 1 0 0 1 तो देखिए आई का मतलब क्या होता है देखिए आई का पहले इधर देखा जाता है कि किस ऑर्डर में है सेकेंड ऑर्डर में है तो इसलिए 1 0 अगर थर्ड में रहता है तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 लेते लेकिन हमारा सेकेंड ऑर्डर है इसीलिए 1 0 0 1 लेते ठीक है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है आई। अब एक चीज़ देखिए यहाँ पर 8 - 5 - 5 = 3 - 15 - 5 - 10 यही आ गया ना यहाँ पर साइन रहेगा। अच्छा इसको देखिए तो 7 0 0 7 सबको जोड़ देते हैं तो देखिए ये प्लस है तो 8 + 7 = 15 5
देखिए किसको जोड़ रहा है, इसको और इसको जोड़ रहा है, ठीक है। माइनस पाँच तीन प्लस सेवन टेन, देखिए माइनस पाँच दस। अच्छा देखिए तो दोनों सेम है क्या, दोनों सेम है तो लीजिए लड्डू खा लीजिए, बराबर जीरो आर एच एस। ये तो प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। अब हमको कह रहा है कि ए इन्वर्स निकालिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन सर। देखिए ए इन्वर्स में ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, ए इन्वर्स से निकालना है ना, तो ए इन्वर्स इसी से निकाल लीजिए, ठीक है। तो ए इन्वर्स तो ए बराबर थ्री माइनस वन वन ओवर टू है, ठीक है, थ्री माइनस वन वन ओवर टू है। तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग को फैक्टर निकाल देते हैं, सी वन वन सी वन टू सी टू वन सी टू टू। तो सी वन वन बराबर कितना हो जाएगा टू, और सी वन टू बराबर कितना हो जाएगा माइनस माइनस वन इक्वल टू वन, सी टू वन इक्वल टू कितना हो गया माइनस रख देंगे और ये वन हो गया, सी टू टू कितना हो गया थ्री। तो कहने का मतलब होता है कि सी इक्वल टू कितना आ गया टू वन माइनस वन अवर थ्री, ये आ चुका है। अब हम देखते हैं कि इसका ऑन ट्रांसपोज करते हैं, ऑन ट्रांसपोज तो सी डैश बराबर टू माइनस वन वन थ्री, ठीक है। इसको कहते हैं एडजॉइंट, किसका ए का। अच्छा जब सी इन ए इन्वर्स निकालना होगा तो डिटर्मिनेंट पहले निकालना होगा, तो देखिए डिटर्मिनेंट निकालते हैं पहले। डिटर्मिनेंट इसका क्या होगा, तीन दूना छः माइनस माइनस वन यानी कि सात, ठीक है, नॉट इक्वल टू जीरो, तो इन्वर्स विल एग्जिस्ट। तो दिया ही गया है तो इन्वर्स तो एग्जिस्ट करेगा, जांच करने के लिए दिया नहीं है तो मतलब एग्जिस्ट करेगा। अच्छा तो ए इन्वर्स बराबर एड्स ए बाई ए कितना है टू वन माइनस वन थ्री डिवाइड बाई सिक्स कर दिए तो कितना आ गया, देखिए वन बाई थ्री माइनस वन बाई सिक्स वन बाई सिक्स वन बाई टू, ए इन्वर्स बराबर इतना आंसर आ चुका है। चलिए इसको नोट कीजिए तो ठीक है, ये थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक है ना, ये सेवन है ना, सेवन दे दिया और यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है। चलिए टू बाई सेवन हो गया और माइनस वन बाई सेवन हो गया, वन बाई सेवन थ्री बाई सेवन, चलिए आंसर हो गया, नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है। चलिए देखिए इसमें क्या करना है कि ए और बी का वैल्यू निकालना है, क्लियर है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि पहले इसका वैल्यूज निकाल देते हैं, ए क्रॉस ए देखिएगा थ्री वन टू वन, फिर इसी में मल्टीप्लाई करते हैं थ्री टू वन वन, ठीक है। तो देखिए इसमें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ पर लिख सकते हैं तीन तीन नौ दो, ठीक है, और इसको देखिए तीन अब प्लस वन। अब देखिए सेकेंड कॉलम में जा रहे हैं, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम तीन दूना छः प्लस दो, ये देखिए दो प्लस वन यानी कि हमारा आ गया इलेवन फोर एट थ्री, इलेवन फोर एट थ्री आ चुका है ना। तो हमारा कहने का मतलब है कि अब इस पे इसमें वैल्यूज को रखते हैं, देखिए यानी कि इलेवन फोर एट थ्री प्लस ए कितना आया है थ्री वन टू वन प्लस बी आई मतलब वन जीरो जीरो वन, आई का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ये देखिए सेकेंड ऑर्डर का है इसलिए इसको सेकेंड ऑर्डर में ही लिख देते हैं। चलिए इसको कैलकुलेशन करके देखते हैं क्या होता है, वन फोर एट थ्री प्लस थ्री ए टू ए ए ए
बी प्लस बी जीरो जीरो बी इक्वल टू जीरो है ना, इक्वल टू जीरो है। तो अब हम क्या करते हैं, बहुत ही आसान है, सबको जोड़ देते हैं। देखिए ग्यारह तीन बी इलेवन प्लस थ्री ए प्लस बी, इसमें देखिए बी एट प्लस टू ए, इसमें देखिए फोर प्लस ए बस, अब ये थ्री प्लस ए प्लस बी इक्वल टू जीरो है। अच्छा इक्वल टू जीरो है तो हम ऐसे लिखने के लिए एप्लीकेबल है, जीरो 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 जिसको नल मैट्रिक्स कहते हैं, लिख सकते हैं ना। अच्छा इक्वेटिंग बोथ साइड चाहे ऑन कंपेयरिंग, ऑन कंपेयरिंग देखिए तो ये इस इजी है। तो देखिए ये पोजीशन पे डिपेंड करता है, पोजीशन बराबर होता है। देखिए इसका पोजीशन ये है तो लिख सकते हैं फोर प्लस ए इक्वल टू जीरो, तो ए बराबर माइनस फोर आ चुका है। अब बी का वैल्यूस निकालना है तो देखिए थ्री प्लस ए प्लस बी लिख सकते हैं, थ्री प्लस ए प्लस बी इक्वल टू जीरो, तो थ्री ए बराबर माइनस फोर ना, तो माइनस फोर प्लस बी जीरो, बी बराबर वन, बी बराबर वन आ गया है ना। अब कहने का मतलब होता है ए का वैल्यू निकालना था, बी का वैल्यू निकालना था, हमारा हो गया ए का वैल्यू हो गया, बी का वैल्यू हो गया, तो यहाँ पर लिख देंगे ए बराबर फोर बी बराबर वन, एक आंसर हमको निकल गया। लेकिन अब कथा कहानी क्या है कि ए इन्वर्स का निकालना है। चलिए बहुत ही आसान है, देखिए नाउ ए इन्वर्स निकालना है ना, तो ए इन्वर्स का निकाल सकते हैं लेकिन एक इसके हेल्प से निकालते हैं। कैसे निकलेगा जरा से देखते हैं। देखिए ऐसे भी निकलेगा तो आपको तो ऐसे पता चल गया कि ऐसे निकलता है, लेकिन अब जरा सब दूसरे रूल से बताते हैं ए इन्वर्स कैसे निकलता है। देखिए हमारा दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस ए ए प्लस बी आई इक्वल टू जीरो, क्लियर है। अच्छा ए स्क्वायर प्लस ए इक्वल टू माइनस फोर, तो चलिए यहाँ पर माइनस फोर ए दे देते हैं, और बी इक्वल टू कितना है वन, तो सिर्फ यहाँ पर आई हो गया यानी कि जीरो। अच्छा एक चीज़ देखें, अप्लाइंग इन्वर्स हमको निकालना है ना, चलिए अप्लाइंग बोथ साइड इन्वर्स, अप्लाइंग बोथ साइड्स इन्वर्स, ठीक है। थोड़ा टाइम लगता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, अच्छे कर्म करने में टाइम लगता है, घबराने की बात नहीं है। तो अप्लाइंग बोथ साइड इन्वर्स, चलिए तो अगर ए है, देखिएगा ध्यान से, तो ए इन्वर्स किए आ ई वाला एक बाहर रख दिए हैं। अच्छा देखिए यहाँ पर फोर है, ए है, ए इन्वर्स किए, आई है, ए इन्वर्स किए, जीरो है, ए इन्वर्स किए, मल्टीप्लाई किए ए इन्वर्स से, तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई किए हैं, तो ए और ए इन्वर्स। एक चीज़ मैं बता दूं कि ए गुना वन बाई ए, तो इसी को ए वन बाई ए है ना, इसी को वन लिखा जाता है क्योंकि काट के वन आएगा ना, तो इसका भी मतलब वन आएगा, क्लियर है ना। तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, इसमें इसमें गुना करेंगे तो जीरो ही आएगा। अब देखिए ए ए में वन, तो ए ए वन, तो सिर्फ ए लिखते हैं, ए ए तो सिर्फ ए लिखते हैं, फोर लिखते हैं, ठीक है। अच्छा फोर आई लिख सकते हैं, आई, चलिए यहाँ पर क्या है ए इन्वर्स, चलिए केवल ए इन्वर्स लिख देते हैं, और यहाँ पर राइट साइड में आ गया है क्या जीरो, जीरो आ गया है ना। अच्छा अब एक चीज़ इसी का तो वैल्यू निकालना है, हम इसको उधर लेके चले जाते हैं। देखिए ए इन्वर्स तो उधर लेके चलेंगे तो फोर आई माइनस ए हो गया, फोर आई बराबर हम ऐसे लिख सकते हैं वन जीरो जीरो वन, और ए बराबर क्या लिख सकते हैं थ्री वन और टू वन लिख सकते हैं ना, ऐसा ये भी बहुत आसान तरीका है। अब एक चीज़ देखिए
4004 माइनस 3121, तो कितना आ गया, यानी कि 1 आ गया और माइनस 2 आ गया और माइनस 1 आ गया और 3 आ गया, ये इनवर्स का वैल्यूस आ गया। देखिए इतना आंसर तो होगा, होना ही चाहिए, कितना आंसर आया, 1 माइनस 1 माइनस 2 और 3। ठीक है, कहीं ऐसा है कहीं डाउट कि जहां प्रॉब्लम लग रहा हो, नहीं ना, चलिए आपको इसको नोट कर लीजिए। चलिए यहां पर ए दिया हुआ है, ए क्यू माइनस 6a² + 5a + 11i3 दिया, ओके है, यहां ए ए में मल्टीप्लाई किया तो हमारा वैल्यूस इतना आ चुका है। अब ए क्यू के लिए ए स्क्वायर में ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यूस हमारा इतना आ चुका है, क्लियर है। अब मैं क्या करने वाला हूँ कि अब देखिए, अब प्रूफ करना है तो बाई एलएचएस से चलता हूँ, बाई एलएचएस, तो कहता है ए क्यू 6a² + 5a + 11i3। चलिए ठीक है, अच्छा एक चीज़ है कि ए थ्री बराबर कितना आया, इतना, चलिए 8 - 23 = 32, 7 - 27 - 30, 1 - 69 = 58, ओके पूरा क्लियर है। अच्छा इस तरीके से आ रहा है तो अब हम -6a² बराबर चलते हैं, ए स्क्वायर 4 - 3 = 7, 4 - 3 = 7, 2 - 8 - 3 = 2, 8 - 3, 1 - 14 + 14, 1 - 14 + 14, ओके क्लियर है। अच्छा अब हम चलते हैं 5a + 5, ए बराबर कितना है, 1 - 1 2 - 1 - 1 - 3 - 3। देखिए यहाँ आई थ्री है ना, माने कि 3 रोज़ 3 कॉलम्स, चलिए तो 11 यानी कि 100010001, क्लियर है, दिखाई दे रहा है ना, अच्छा देखते हैं, हाँ चलिए बहुत अच्छा से दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो अब कहने का मतलब है इसका कि ये तो बहुत लंबा चौड़ा है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा अच्छा रास्ता में जाने में थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ता है, गलत रास्ते में जाने के लिए स्ट्रगल नहीं करना पड़ता है, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं है, चलिए स्ट्रगल कर रहे हैं तो करना चाहिए। देखिए 24 - 12 - 6 - 18 - 48 - 84 - 42 - 18 - 84 हो गया। इसमें देखिए 5 - 5 - 10 - 5 - 15 + 15 + 11 - 0 - 0 - 11 - 0 - 0 - 11 हो गया। अब एक चीज़ देखिए, अब क्या करते हैं, जहाँ जोड़ने वाला है, कई है ऐसा जोड़ने वाला, चलिए ये माइनस है अब बाकी सब प्लस है, चलिए क्या करते हैं 8, 5 और 11 को जोड़ दिए, तो 8, 5 और 11 को जोड़ेंगे तो 24 आ चुका है। देखिए 7, 5 को जोड़ेंगे तो 12 आ गया है, चलिए 12, 1, 5, 6 - 6 आ गया है, -23 ठीक है इसको जोड़ रहे ना, और 5 तो कितना हो गया -18, चलिए -18, 27, 10, 11 तो कितना आ गया है
48 माइनस 69 माइनस 15 तो कितना हो गया 84 ठीक है। 32 10 जोड़ेंगे तो 42 माइनस 13 माइनस 15 18 माइनस 18 58 इतना जोड़ेंगे ना 58 ये और ये 11 तो कितना हो गया 84 चलिए 84 यहाँ पर माइनस 24 माइनस 18 14 और यहाँ पर 12 है 48 है माइनस 18 है और यहाँ पर 6 है माइनस 84 है और प्लस 84 है तो आई होप ये बराबर है ना। देखिए बराबर है तो इसको क्या करते हैं जीरो जीरो कट के। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं जीरो 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 या जीरो प्रूफ करना है ना तो बराबर जीरो प्रूफ कर देते हैं लिख देते हैं बराबर जीरो RHS वेरीफाई करना है ना नहीं सोड डेट तो दिखाना है तो लीजिए हमने क्या किया सोड हमने क्या क्या दिखा दिया। चलिए आपको इसको नोट पहले कर लीजिए क्योंकि ए इनवर्स भी हमारा बाकी है ठीक है। इसकी हेल्प से हम कैसे वैल्यूज निकालते हैं ठीक है देखिएगा यहाँ पर जीरो है अप्लाइंग बोथ साइड्स क्या अप्लाई कर रहे हैं इनवर्स ए इनवर्स ठीक है तो ए इनवर्स कर दिए तो देखिए ए इनवर्स ए तो इधर ए स्क्वायर हो गया माइनस सिक्स ए स्क्वायर है ना तो ए स्क्वायर इंटू ए इनवर्स यहाँ पर ए एक निकाल दिए अच्छा फाइव ए गुना ए इनवर्स ठीक है अब प्लस 11 इंटू आई थ्री है ना तो ए इनवर्स ठीक है इक्वल टू जीरो क्योंकि अगर इधर इनवर्स करते हैं तो चलिए जीरो इंटू ए इनवर्स बोथ साइड कर दिए तो इस तरीके से हमारा निकल गया और ए एक कितना हुआ आई तो आई ए स्क्वायर यहाँ पर सिक्स आई ए यहाँ पर फाइव आई और यहाँ पर 11 ए इनवर्स इक्वल टू जीरो। अच्छा अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं 11 ए इनवर्स इक्वल टू देखिए ऊपर टीजा गया 6 आई ए और इस ये उस तरफ गया तब माइनस आई ए स्क्वायर ठीक है। तो जब हम इसका कैलकुलेशन कर रहे हैं आई मतलब 1 होता है इसका कोई मतलब नहीं 6 ए रखते हैं ठीक है तो ए रखते हैं तो ए क्या है यहाँ पर 1 1 2 और 1 2 माइनस 1 1 माइनस 3 3 माइनस 5 1 0 0 0 1 0 0 0 1 माइनस आई तो आई से मल्टीप्लाई होगा तो सेम वैल्यू आएगा लेकिन ए स्क्वायर का वैल्यू क्या है 4 माइनस 3 7 2 8 माइनस 3 1 माइनस 14 ये वैल्यू हमारा निकला हुआ है। चलिए अब हम इसको कैलकुलेशंस कर देते हैं तो कितना आ गया देखिएगा 6 6 12 6 12 माइनस 6 ठीक है अब 6 माइनस 18 प्लस 18 माइनस 5 0 0 0 5 0 0 0 5 यहाँ देखिए यहाँ पर माइनस है तो माइनस है तो यहाँ पर 4 माइनस 3 माइनस 7 2 8 माइनस 3 1 माइनस 14 लिख दिए। अच्छा ये प्लस है ये माइनस दोनों है ठीक है तो एक काम करते हैं इसको पहले जोड़ देते हैं ठीक है यहाँ पर इसको पहले जोड़ देते हैं देखिए इसको जोड़ देते हैं
तो जोड़ दिए पहले, तो यहाँ पर पहले मिटाते हैं, यहाँ पर ख़त्म करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अब एक चीज़ देखिए, इसको यहाँ उतारते हैं, सिक्स सिक्स ट्वेल्व और सिक्स ट्वेल्व माइनस सिक्स, सिक्स माइनस एटीन प्लस एटीन, इसको कैलकुलेशन कर देते हैं तो कितना आया, माइनस फाइव माइनस, तो माइनस नाइन, नाइन टू वन, माइनस थ्री थर्टीन, माइनस फोर्टीन सेवन, माइनस थ्री उन्नीस, ठीक है। जब हम इसका कैलकुलेशन करते हैं तो कितना आ गया, देखिएगा, देखिए इसको जोड़े तो इतना आ गया। तो अब हमारा कहने के 11 ए इन्वर्स बराबर इतना आया है, तो ए इन्वर्स बराबर इसमें माइनस थ्री नाइन फाइव फोर माइनस वन माइनस थ्री फाइव माइनस फोर माइनस वन, एलेवन से डिवाइड कर दिए, ठीक है, बस इतना ही आंसर लिख देते हैं। डिवाइड करना होगा तो कितना लिखना होगा, माइनस थ्री बाई इलेवन, फोर बाई इलेवन, फाइव बाई इलेवन, इससे चाहे कि हम बाहर करके ही लिख दिए, ठीक है। इन्वर्स का वैल्यू इतना आ गया, नोट कीजिए। चलिए देखिए, ए है, इसका वैल्यूस इतना दिया हुआ है, ओके, इसके ए स्क्वायर किए तो इसका वैल्यूस इतना आ चुका है। ए क्यू निकालने के लिए ए स्क्वायर में ए से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए इसका कैलकुलेशन जब किए तो इस तरीके से हमारा वैल्यू इतना आया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है कि इसके बराबर जीरो होता है, तो देखिए इसके बराबर जीरो होता है तो वेरीफाई करना है, तो भाई एलएचएस से चलते हैं। देखिए इसके बदले ये ए क्यू के बदले ये लिख देता हूँ, देखिए यही ना लिखना है, सिक्स ए स्क्वायर नाइन ए माइनस फोर आई, ठीक है। तो ए क्यू इक्वल टू कितना आ गया, ये 22 माइनस 21 21 माइनस 21 22 माइनस 21 21 माइनस 20 22 माइनस 6 ए स्क्वायर कितना आया है, देखिए 6 माइनस 5 5 6 माइनस 5 5 माइनस 5 6 माइनस 5 सिक्स माइनस फाइव, फाइव माइनस फाइव सिक्स, ठीक है, प्लस नाइन ए, एक जगह पर क्या है, ये टू माइनस वन वन, टू माइनस वन वन, माइनस वन टू वन, वन टू माइनस वन, वन माइनस वन टू, अच्छा प्लस में, प्लस में कितना है, माइनस फोर आई है ना, अच्छा चलिए ठीक है, तो माइनस फोर आई के जगह पे क्या कर सकते हैं, जीरो 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 वन जीरो 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 वन लिख सकते हैं। अच्छा अब यहाँ पर इतना वैल्यूस आ चुका है तो हम इधर वाला डिलीट करते हैं। अच्छा पहले इसको कैलकुलेशन कर देते हैं, यहाँ पर कैलकुलेशन करने के बाद क्या आएगा वैल्यूस, देखिए 22 माइनस 21 21 माइनस 21 22 माइनस 21 21 माइनस 21 22, ठीक है, जब मल्टीप्लाई किए तो कितना आ जाएगा, देखिएगा 36 माइनस 30 30, ठीक है, और यहाँ पर माइनस 30 36 माइनस 30, यहाँ पर देखिए 30 माइनस 30 36, यहाँ पर देखिए 18 माइनस 9 9 माइनस 9 18 माइनस 9 9 माइनस 9 18, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर 0 0 आ गया है तो हम यहाँ पर दे देते हैं माइनस 4 0 0 0 4 0 0 0 4, ठीक है, इस तरीके से आप पहले इसको नोट कर लीजिए। तो देखिए इसका कैसे कैलकुलेशन करते हैं,
ठीक है, ये प्लस में है और ये प्लस में है, ठीक है। तो 22 और 18 40 हो गया, ठीक है। तो इसको पहले लिख देते हैं 40 माइनस 21 और माइनस 9 माइनस 30, ठीक है, और माइनस 21 और 1 30 हो गया। अब देखिए माइनस 21 माइनस 9 30, माइनस 22 18 40 प्लस 40, माइनस 21 माइनस 9 माइनस 30। अब यहाँ देखिए 21 और ये 30, माइनस 21 माइनस 9 माइनस 30, 22 18 40। अब इसको देखिए 36 4 40 माइनस 30 प्लस 30 30 40 माइनस 30 30 जोड़ने पर सब आ जाएगा यही, ठीक है। आप देखिए ये और ये सेम आ रहा है, कट गया, चलिए काट दिए, बराबर जीरो। देखिए ये ना प्रूफ करना था, राइट साइड में यही है ना। अब इसकी हेल्प से ए इन्वर्स निकालना है, तो कैसे निकालते हैं ज़रा सा हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर ए क्यू माइनस 6a² 9a माइनस 4i इक्वल टू जीरो है, तो हम अप्लाई, ठीक है, अप्लाई क्या कर रहे हैं ए इन्वर्स ऑन बोथ साइड, हम दोनों तरफ ए इन्वर्स को अप्लाई कर रहे हैं, क्लियर है। अच्छा तो जब ए इन्वर्स अप्लाई करेंगे ना, तो देखिए ए स्क्वायर को साइड ले लेते हैं, ए गुना ए इन्वर्स, यहाँ पर देखिए माइनस सिक्स ए को साइड ले लेते हैं, ए को अंदर रहने देते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको 9 ए ए इन्वर्स, आई देखिए माइनस 4 आ इसको में ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इन्वर्स ही होगा, और यहाँ पर राइट साइड में 0 गुना ए इन्वर्स करेंगे तो राइट साइड में तो 0 हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है ना। अच्छा तो यहाँ पर आई हो गया, तो ए स्क्वायर आई, आई हैज़ 1 यूनिट 1 वैल्यूज, इसलिए इसको हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 6ai कोई दिक्कत नहीं है, प्लस 9i ओके, माइनस 4a इन्वर्स आ चुका है, यानी कि 0 आ चुका है, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि 4a इन्वर्स उधर लेके चल गए, उधर लेके चल गए मान लेते हैं, चलिए तो a स्क्वायर का वैल्यूज कितना है, देखिए 6 माइनस 5 माइनस 5 6 माइनस 5 माइनस 5 6 ओके, यहाँ आ गया है माइनस 6 ए, आई मतलब 1 वैल्यू होता है, आई का वैल्यू 1 मान के चलते हैं, ठीक है। तो 6 ए इक्वल टू क्या है, ए इक्वल टू डिलीट कर दिए, अच्छा चलिए ए इक्वल टू लिखता हूँ, ए इक्वल टू यहाँ पर 2 माइनस 1 माइनस 1 है, 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2, ठीक है। अच्छा इसको इधर से डिलीट करते हैं, हटाते हैं, चलिए इसको नोट आप लोग किए हैं ना, चलिए ठीक है, यानी कि यहाँ से हटाते हैं, चलिए माइनस 6 से प्लस 9a है, 9 आई मतलब 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ओके हो गया। अच्छा अब एक चीज़ देखते हैं कितना आ गया इसमें, 6 है माइनस 5 है, 5 है ठीक है, माइनस 5 6 माइनस 5 5 माइनस 5 6 ठीक है। अब इसको देखिए कितना, इसको मिटा देते हैं पहले, ठीक है। अब इसको देखिए 12 माइनस 6 6 माइनस 6 12 माइनस 6 6 माइनस 6 12, अब देखिए यहाँ पर 9 0 0 0 9 0 0 0 9 हो गया है ना। अच्छा अब इसको कैलकुलेशन करेंगे ना, तो देखिए इसको जोड़ेंगे
तो कितना हो गया, ये देखिए ई प्लस में है, ई प्लस में, तो 9 6 15 माइनस 5 5 माइनस 5 9 6 15 माइनस 5 5 माइनस 5 6 9 15 है ना। चलिए यहाँ पर माइनस ये वाला उतार दिए, 12 माइनस 6 6 माइनस 6 12 माइनस 6 और 6 माइनस 6 12 ठीक है। जब इसको इसमें से घटाते हैं ना तो घटाएंगे तो कितना वैल्यू आएगा, तो देखिए कितना आएगा, देखिए 4a इनवर्स बराबर इतना आया है, इसमें से इसको घटाएं तो इतना आया है। तो कहने का मतलब क्या है कि a इनवर्स बराबर 1/4 3 1 माइनस 1 1 3 1 माइनस 1 1 3 ये हमारा हो गया आंसर। क्लियर है, ये हमारा हो गया आंसर। चलिए आप नोट कीजिए, देखिए ये क्वेश्चन है, ठीक है ये क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे डील करते हैं, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, तो लेट सॉल्यूशन देखिएगा बहुत खूबसूरत तरीके से करूंगा, ठीक है तो देखते हैं। लेट ए इक्वल टू थोड़ा सा बड़ा में a11 a12 a13 a21 a22 a23 ठीक है, a31 a32 a33। अच्छा मान लिए तो इसका कोरस्पोंडिंग नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो कहने का मतलब है कि इसका एडजॉइंट भी निकलेगा और इसका इन्वर्स भी निकलेगा, ठीक है। तो अब एक चीज, इसके कोरस्पोंडिंग, इट्स कोरस्पोंडिंग, इट्स कोरस्पोंडिंग कोफैक्टर, इसका कोरस्पोंडिंग कोफैक्टर निकाल लेते हैं। देखिए कोरस्पोंडिंग कोफैक्टर निकालेंगे तो क्या होगा, c इक्वल टू लिख सकते हैं c11 c12 c13 c21 c22 c23 c31 c32 c33 लिख सकते हैं। क्लियर है, अब इसको हम ट्रांसपोज करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, ट्रांसपोज ऑन ट्रांसपोज, तो c डैश क्या होगा, c11 c21 c12 c22 c32 c13 c23 c33 ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब एक चीज़ आपको मैं बता दूं, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, ठीक है, a एट a कहने का मतलब होता है ट्रांसपोज किया तो ये क्या कहलाया, एड्ज ए, तो जब भी ए इंटू एड्ज ए मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स प्रोड्यूस करता है, क्या करता है, डायगोनल मैट्रिक्स प्रोड्यूस करता है। देखिए डायगोनल मैट्रिक्स प्रोड्यूस करता है तो हम कैसे इसको एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, देखिए इसको हम अच्छा इसका वैल्यूज निकालना है ना, इसका वी हैव टू फाइंड वैल्यूज, देखिएगा दिया हुआ है, ऑप्शंस भी दिया हुआ है एड से, इसको मैं निकाल दूं तो देखिए, तो हम इसको डायगोनल मैट्रिक्स ही प्राप्त होता है, तो एक काम करते हैं ना कि इसका वैल्यूज को ही हम ले आते हैं, मान लेते हैं कि देखिए सी 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 जीरो सी जीरो जीरो या डिटर्मिनेंट है ना a जीरो 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 ए, ये वैल्यूस आ जाता है, ठीक है, जब मल्टीप्लाई करते हैं तो डायगोनल आता है, ये वैल्यूस आता है। क्लियर है, अब एक चीज़ हम मैं बता दूँ इसमें कि अगर इस तरीके से हम करते हैं, ठीक है, तो अब डिटर्मिनेंट का वैल्यूस देते हैं, देखिएगा डिटर्मिनेंट, तो a एड्स a
इधर डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू देते हैं, तो एट ए का वैल्यू निकालना है हमको, ध्यान से रखिएगा। तो इसमें से हम इसमें इस तरीके से दे सकते हैं 0 0 0 a, इस तरीके से हम यहाँ से a निकाल देते हैं। देखिए फिर यहाँ से रो टैकिंग हमारा डिटर्मिनेंट जब साइन देते हैं, किसी भी रो किसी भी कॉलम से हम कॉमन ले सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट रो से, ये फर्स्ट रो है, सेकंड रो है, थर्ड रो है, तो हम क्या ले रहे हैं, ए कॉमन ले रहे हैं। तो ए कॉमन लिए, ए ए कॉमन लिए, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, जब इसको हम इस टाइप में तोड़ सकते हैं, ए इसको तोड़ सकते हैं ना, चलिए। तो एड्ज ए बराबर ए ए ए बाई ए, तो यहाँ पर ये कट गया। तो देखिए एड्ज ए इसका वैल्यू क्या आ गया, ये आ गया, डेट मीन्स ये आंसर, यानी कि इसमें ऑप्शन में दिया है ये बी, तो हमारा बी आंसर हो गया, क्लियर है ना। चलिए इसको नोट कीजिए। देखिए जब कहता है ना इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है सॉल्यूशन, इन्वर्टिबल दिया हुआ है, एक क्या है इन्वर्टिबल, इन्वर्टिबल तो इन्वर्टिबल मतलब कहने का मतलब होता है कि ए इन्वर्स निकल सकता है, ठीक है, ए इन्वर्स। चलिए देखिए, तो कहने का मतलब होता है कि ये ए इन्वर्स है, अगर एग्जिस्ट कर रहा है, अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो जो डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू होगा नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है, तो नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। अगर नॉट इक्वल टू ज़ीरो है तो कहेंगे इन्वर्स विल एग्जिस्ट, यानी कि चलिए तो ए इन्वर्स विल एग्जिस्ट, तो ए इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो कहने का मतलब है कि इसका हमको वैल्यूज निकालनी होगी, तो वैल्यूज कैसे निकाल सकते हैं इसमें, इसमें एक चीज़ है हमारा, ठीक है, तो इसमें एक चीज़ है, देखिएगा करेगा तो ए इन्वर्स इंटू ए बराबर आई लिख देते हैं। अच्छा एक चीज़ देखिए, ए इन्वर्स इक्वल टू आई है, तो दोनों तरफ हम मोड का साइन देते हैं, ठीक है, दोनों तरफ किसका साइन देते हैं, मोड का। अच्छा एक चीज़ देखिए, तो ई ऐसे हो गया और ई इस तरीके से हो गया, ठीक है, और यहाँ पर इसका साइन दिए, इसका वैल्यूज निकालते हैं, तो इसका वैल्यूज वन आता है, कहीं भी इसका वैल्यूज कितना आता है, वन आता है। अब एक चीज़ देखिए, ए इन्वर्स निकालना है, तो वन बाई ए हो गया, इसी का नाम है डिटर्मिनेंट ए, इसका नाम क्या है, डिटर्मिनेंट ए, ठीक है। तो अब एक चीज़ देखिए, डिटर्मिनेंट ए इन्वर्स का डिटर्मिनेंट ए आ गया, तो इसी को लिख सकते हैं, ठीक है, देखिए डिटर्मिनेंट ए इन्वर्स, ठीक है, बराबर वन बाई डिटर्मिनेंट ए, क्लियर है ना, ये हमारा हो जाता है आंसर। तो चलिए ये आप, ये मैंने इस चैप्टर को मैंने पूरा के पूरा सॉल्व कर दिया है, और इस तरीके से आप प्रैक्टिस करेंगे, और जहाँ भी प्रॉब्लम्स होगी जहाँ पर आप पूछेंगे, ठीक है, और हर तरीके का प्रॉब्लम्स को आप, जो भी प्रॉब्लम्स होगी मैं सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। तो इसी के साथ इस चैप्टर को डाइन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय कंसेप्ट डेवलप सेंटर एंड ऑल द बेस्ट।